our situations may change. हमारा परिस्थिति बदलता है. But we thank God, we serve a God who never changes. लेकिन हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारा ये परमेश्वर कभी नहीं बदलता. That's why we can trust him. इसीलिए हम उन पे भरोसा रख सकते हैं. If God keeps on changing, how can you trust somebody who keeps changing? अगर परमेश्वर खुद बदलते रहते हैं तो आप कैसे किसी पे भरोसा रख सकते हैं जो हमेशा बदलते रह सकता है? That's why we come here to the house of God to learn about God. इसीलिए हम लोग यहाँ परमेश्वर का ही भवन में आते हैं उनके बारे सीखने के लिए. This evening before we look into the word. आज वचन में जाने के पहले. We look to him. हम उनकी ओर देखेंगे. Because unless he speaks. क्योंकि अगर वो नहीं बोलेंगे. Unless his spirit moves, अगर उनकी आत्मा यहाँ काम नहीं करेगी, there will be no light. तो यहाँ पे कोई ज्योति नहीं होगा. Father, we come to you. पिता, हम आपके पास आते हैं. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. We seek mercy. हम प्रभु दया चाहते हैं. You said, come boldly, confidently to the throne room of grace. आपने कहा लगातार हिम्मत के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ. And receive mercy. और ताकि तुम दया पाओ. Mercy is in every area where we have failed you. दया हर एक ऐसा जगह में जहां पे प्रभु हम निकम्मे रहे हैं. And then you said receive grace. तब आपने कहा अनुग्रह पाओ. We ask for grace. प्रभु हम अनुग्रह मांगते हैं. To hear this evening. आज सुनने के लिए. The grace to hear. सुनने के लिए अनुग्रह. The grace to understand. समझने के लिए अनुग्रह. The grace to believe. मानने के लिए अनुग्रह. The grace to obey. आज्ञा मानने के लिए अनुग्रह. Without your grace, nothing is possible. आपके अनुग्रह के बिना कोई भी बात, ओ लॉर्ड, व्हाट संभव नहीं हो पाएगा. But by your grace, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा, all things are possible. सब कुछ संभव है. Therefore, speak to us. इसीलिए हमसे बातें कीजिए प्रभु. Because you alone have the words of life. क्योंकि आपके ही पास प्रभु जीवन के वचन है. And it is to you that we have come. और आपके पास इस वक्त आए हैं. स्पीक टू अस. हमसे बातें कीजिए. फॉर इन जीसस नेम वी प्रे. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमेन. 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 इफ यू टर्न विद मी टू हिब्रूज चैप्टर 4. इब्रानियों का चौथा अध्याय. एंड वर्स 1. पहला पद. एंड 2. पहला पद और दूसरी पद. हिब्रूज चैप्टर 4. पहला पद और दूसरी पद. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े. क्योंकि हम उन्हीं के नाई सुसमाचार हमें उन्हीं के नाई सुसमाचार सुनाया गया है. पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा. द बाइबल सेज. बाइबल बताती है. वी हैव टू एंटर इनटू हिज रेस्ट. हमें उनकी विश्राम में प्रवेश करना है. The way we enter into his rest. जिस तरीके से हम उनके विश्राम में प्रवेश करते हैं. What we hear. हम जो सुनते हैं. What we hear from God. हम जो सुनते हैं परमेश्वर से. From his word. उनके वचन से. We have to mix it with faith. उसको हमें मिलाना पड़ेगा विश्वास के साथ. 600,000 people came out of Egypt. 600,000 लोग मिस्र से निकले थे. They heard the gospel. उन्होंने सुना सुसमाचार को. The Bible says they heard. बाइबल में लिखा हुआ है कि वो But सुने. What they heard was of no use. लेकिन वो जो सुने वो लाभ नहीं हुआ उससे. Because they did not mix it with faith. क्योंकि विश्वास के साथ वो नहीं बैठा. Therefore they never entered into God's rest. इसीलिए वो कभी भी प्रवेश नहीं किए परमेश्वर के विश्राम में. Did they leave Egypt? क्या वो छोड़े मिस्र को? The land of sin. जो पाप का देश था. Were they delivered from sin? क्या वो पाप से छुटकारा पाए? The land of sin. जो पाप का देश था. Yes. हाँ. Did they enter into the land of rest? क्या वो प्रवेश किए? No. प्रतिज्ञा देश? नहीं. Just wandered and died. भटकते गए और मर गए. This is the truth. ये है सच्चाई. Many Christians. बहुत से मसीहों का. They are saved. वो सुने हैं, वो विश्वास, वो उधार पाए. But they have not entered into his rest. लेकिन विश्राम में नहीं प्रवेश किए. There is a rest that Jesus promises. एक विश्राम है जिसका प्रतिज्ञा किया हुआ है यीशु. While we are living in this life. जब तक हम इस जीवन में हैं. While we are living in this life. जब हम इस जीवन में हैं. But for that he said, what you hear you have to combine it with faith. लेकिन लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलते हैं कि जो सुनते हो उसे विश्वास के साथ जोड़ो. If you read verse 11 also. 11वीं पद को भी पढ़ेंगे तो. Hebrews 4:11. इब्रानियों का 4 का 11. Ahem.
सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें. We should therefore be diligent to enter into that rest. हम उस विश्राम में प्रवेश करने को लौलीनता से प्रयत्न करें. Lest anyone fall after the same example of disobedience. ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े. So whenever we gather for the word of God. तो जब भी हम परमेश्वर के वचन के लिए इकट्ठा होते हैं. In the house of God. परमेश्वर के भवन में. In your own home. अपने भवन. When you are reading. जब आप पढ़ रहे हैं. Or when you are listening. या जब आप सुनते हैं. Please see that faith comes. ये देखिएगा कि विश्वास के साथ है. God is very very kind. परमेश्वर बहुत कृपा से भरे हुए हैं. What does he say? वो क्या कहते हैं? Faith comes from? विश्वास सुनने से आता है. कैसे आते हैं? सुनने से. कारण क्या है? संसार के बहुत सारे लोगों को पढ़ने नहीं आता. अगर वचन में लिखा है विश्वास पढ़ने से आता है तो ज्यादा लोगों को विश्वास नहीं हो सकता क्योंकि पढ़ने नहीं आते. लेकिन सबको सुन सकते और सबके पास मोबाइल है, उसमें सुन सकते. बकवास नहीं, वचन अगर सुनेगा तो विश्वास आ जाएगा. हाउ डज फेथ कम? विश्वास कैसे आता है? थ्रू हियरिंग. हियरिंग व्हाट? क्या सुनने से? द वर्ड ऑफ गॉड. मसीह का वचन. दिस मॉर्निंग, आज सवेरे, we had a long session. बहुत लंबा सेशन था. And I told you three times God says. और मैंने बताया आपको तीन बार परमेश्वर ये कहते हैं. In the new covenant. नया नियम में ही. The righteous shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा. Faith unto faith. विश्वास से विश्वास तक. Romans 1:17. वो है रोमियो का 1:17. My righteous shall live by faith. मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है. My righteous shall live by faith. मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीता है. Three times. तीन तीन बार. And once in the Old Testament. और एक बार पुराना नियम में भी. When he says we live by faith. जब वो कहते हैं कि हम विश्वास से जीवित रहते हैं. We know. हमें ये मालूम है. In a day. एक दिन में. We live for 24 hours. हम जब 24 घंटा जी रहे हैं. In this 24 hours. ये 24 घंटा जो है. We do so many things. हम इतने काम करते हैं. And God says. और परमेश्वर कहते हैं. My righteous shall live by faith. मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जिएगा. That means. उसका अर्थ ये है. Everything in life. सब कुछ जीवन में. Can be done by faith. किया जा सकता है बस विश्वास से. If it cannot be done by faith. और अगर विश्वास से नहीं किया जा सकता है. God is a liar. तो परमेश्वर झूठे ठहरे. God is a liar. तब तो परमेश्वर झूठा ठहरे. We saw. हमने देखा. Two days. Hebrews 9:27-28. आज इब्रानियों का 9:27-28 को हमने देखा. It is appointed unto every man to die once. पर ये नियुक्त किया गया है हर एक मनुष्य के लिए कि वो एक बार मरेगा. And after that is judgment. और उसके बाद न्याय. So we all are going to die. तो हम लोग सब मरने वाले हैं. We are spending most of our time preparing for death. हम लोग अपना समय बिता रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मृत्यु का तैयारी. We are all going towards that. हम लोग क्योंकि सब हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं. Death is not what is important. लेकिन मृत्यु सबसे जरूरी बात नहीं है. What happens after death? मृत्यु के बाद जो होता है वो जरूरी है. There is judgment. न्याय है. The first judgment happens when you die. पहला न्याय तब होता है जब आप मर गए. Depending upon what did you choose when you were alive. वो इस बात पे निर्भर होगा कि आप जब जीवित थे उस समय आपने क्या निर्णय लिया. God sent his son. परमेश्वर ने इकलौता पुत्र भेजा. That no one should die. कि कोई भी ऐसा नहीं मरे. No one should be condemned. कि कोई भी दंड का आज्ञा किसी पे ना पड़े. Most important decision you and I will ever make in life. तो वो सबसे अहम निर्णय जो कोई भी जीवन में लेता है. Is to believe in the Lord Jesus Christ. वो ये था जब वो चुना यीशु में विश्वास करने के लिए. यीशु में विश्वास करना उद्धार के लिए. इन जीसस. यीशु में. नॉट हिज टीचिंग्स. उसकी शिक्षा में बस नहीं. उसके शिक्षा में नहीं, यीशु में. इस्लाम में मोहम्मद की शिक्षा पर है विश्वास, मोहम्मद पर नहीं. बुद्धिज्म में बुद्धा के शिक्षा पर है विश्वास, बुद्धा पर नहीं. हर एक धर्म में शिक्षा पर है विश्वास, शिक्षक के ऊपर नहीं. लेकिन हम यीशु के ऊपर है विश्वास, शिक्षा के ऊपर नहीं. शिक्षा के ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास न रखकर उसके शिक्षा में हम ये विश्वास करेगा तो उद्धार नहीं मिलता. एक व्यक्ति के साथ जोड़ा हुए हमारे सारे उद्धार, उसकी जन, उसके जीवन, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुद्वान, इसके ऊपर हम विश्वास रखेगा तो हमको उद्धार मिलते. इसलिए यह धर्म नहीं है.
ये धर्म नहीं है, ये रिश्ता है. दिस इज नॉट अ रिलीजन. ये एक धर्म नहीं है. दिस इज नॉट अ रिलीजन. धर्म नहीं है. गॉड इज नॉट कॉलिंग एनीबॉडी टू अ रिलीजन. परमेश्वर किसी को भी एक नया धर्म की ओर नहीं बुलाते हैं. ही इज नॉट आस्किंग अस टू रिसीव फर्स्ट द टीचिंग्स ऑफ जीसस. वो पहले ये नहीं कह रहे हैं कि पहले मेरा शिक्षा को ग्रहण करो. ही इज सेइंग रिसीव माय सन. पहले वो कहते हैं मेरा पुत्र को ग्रहण करो. एंड दिस इज हाउ इट इज रिटन. और ऐसा लिखा हुआ है जॉन 1:12 योहन्ना का 1:12 में, as many as who received him, जो भी उसे ग्रहण किया, he gave them authority to be the sons and the daughters of God. वो उनको अधिकार दिया परमेश्वर के संतान होने के लिए. A relationship, एक रिश्ता पहले. And then the teaching begins. तब शिक्षा शुरू. How does a son live? पुत्र कैसा जीता है? How does a daughter live? बेटी कैसे जीती है? Bring glory to the father. परमेश्वर की महिमा के लिए. That is the teaching. ये है शिक्षा. But first you have to be a son. लेकिन उसके पहले तो पुत्र होना पड़ेगा. You have to be a daughter. आपको पहले एक बेटी होना पड़ेगा. So we are called to Jesus Christ. तो हम बुलाए गए हैं यीशु की ओर. We receive the work of Jesus Christ in our life. उनका काम को हम स्वीकार करते हैं अपने जीवनों में. Then the teaching begins. तब शिक्षा शुरू होती है. And that is faith. ये है विश्वास. Faith in Jesus Christ. यीशु में विश्वास. In that person. उस व्यक्ति में विश्वास. So everything you hear then from the word of God, तो सब कुछ जो तब से आप वचन से सुनेंगे, you have to mix it with faith. उसको आपको मिलाते रहना पड़ेगा विश्वास के साथ. And when you do that, और जब आप ऐसा करेंगे, in that area of life, वो हिस्सा आपके जीवन का, you will have rest. वहाँ पे विश्राम मिल जाएगा आपको. We move from faith to faith. और हम लोग विश्वास से विश्वास तक बढ़ते जाएंगे. Rest. To rest. विश्राम से विश्राम तक बढ़ते जाएंगे. Inside rest. भीतर में हमें विश्राम मिलेगा. Jesus said, "All who are weary and heavy laden, I will give you rest." यीशु ने कहा, तुम में से जितने लोग भी दबाव में हो, भारी हो, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा. That's the first rest. वो पहला विश्राम. From the burden of sin. पाप का बोझ से. And when we come to Jesus, और जब यीशु के पास आते हैं, that burden is gone. वो बोझ चला जाता है. Then he said, तब वो कहते हैं, take my yoke upon yourself. अब मेरा जुआ तुम खुद पे लो. I am meek and lowly. मैं दीन और नम्र हूँ. Learn from me. मुझसे सीखना शुरू करो. You shall have rest for your soul. तब प्राण में तुम्हें आराम मिलेगा. हमें प्राण में आराम चाहिए. हमारा समस्या नहीं, प्राण में आराम चाहिए. Even if our problem doesn't go. देखिए, अगर हमारा समस्या चला भी ना जाए, if we have rest in our soul, अगर प्राण में आराम है, then you have believed. तब आपने सच में विश्वास किया. So this evening, तो आज शाम, we look at one interesting parable. एक बहुत ही दिलचस्प हम लोग दृष्टांत को देखेंगे. लूक चैप्टर 12, लूक का 12वीं अध्याय, वर्स 13-21. 13-21. फिर भीड़ में से एक ने उनसे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे. उसने उसे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा. अब सुन लिए, एक दृष्टांत कहा. यीशु मसीह एक शिक्षा देते हैं, उसके बाद एक दृष्टांत से, वो दृष्टांत सुनना पड़ेगा. सुन लिए. कि किसी धनवान का भूमि में बड़ी उपज हुई. तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूँ. और उसने उससे कहा, और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बकरियों तोड़कर उन्हें और बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह. परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा. ले जाएगा. तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में
धनी नहीं, धनी नहीं। Now read 1 Corinthians chapter 4, 1 and 2. पहला कुरिन्थियों का चौथा अध्याय पहला और दूसरा पद। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य निकले, परंतु वापस चलेंगे दृष्टांत पर। He spoke a parable to them, saying, "The ground of a certain rich man yielded plentifully." Luke 12:16. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान का भूमि में बड़ी उपज हुई। कौन भी हो सकता। हम सोचते धनवान धनवान बोलते टाइम में कौन है धनवान? Riches is only धन बस एक नाप है। It's just a comparison. वो बस एक नापने का एक तरीका है। Like height is a comparison. जैसे कद नापने का तरीका होता है। If I stand next to him, अगर हम लोग दोनों एक बगल खड़े हैं, he's taller than me. तो मैं उनसे कद में थोड़ा सा ऊंचा। If somebody comes taller, कोई और लंबा मेरे बगल खड़ा, he's short. तो मैं और गिड्ढा हो गया। Okay. So riches is just a comparison. तो वैसे ही धन भी बस एक नाप है, नाप तो just a comparison. बस एक नाप तो। The problem is not with riches. धन समस्या धन से एक्चुअली नहीं। It's our mind. वो हमारा मन। Remember when his ground yielded plentifully. याद रखिए जब उसका भूमि बहुत उपज दिया। He started talking to himself. तो अपने से बातें करने लग रहा। मैंने बोला सब बात करते हैं, मन में बात करते, सबके मन में विचार आते। He is talking, 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 talking. Yes. वो बात कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। Then at the end, God spoke. तब अंत में परमेश्वर अब बोले। जब परमेश्वर बोलते जब ज्योति आते। हे मूर्ख, जब तक परमेश्वर नहीं बोलते ज्योति नहीं आते। ओके, द प्रॉब्लम इज दिस। समस्या ये हो गया। जब हमने कुरिन्थियों के 4 पढ़ लिया, उधर एक शब्द इस्तेमाल किया, हम लोग कौन है? हम भंडारी है। हम लोग सब कौन है? भंडारी है। वी आर नॉट ऑनर्स। अब ये हमारा नहीं है, हम बस भंडारी हैं। वी आर नॉट ऑनर्स। हम हकदार नहीं है, मालिक नहीं है, मालिक नहीं है, मालिक नहीं है। मालिक कौन है? मालिक कौन है? परमेश्वर है। रिमेंबर दैट। इफ यू वॉन्ट टू एंटर इन टू हिज रेस्ट, अगर आपको उसके विश्राम में प्रवेश करना है, फर्स्ट थिंग रिमेंबर, सबसे पहला चीज याद रखिए, ये संसार मैं मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ भंडारी हूं। I am just a steward. मैं बस भंडारी। First step for rest. पहला कदम ये विश्राम में प्रवेश करने। Psalm 24:1 says the earth and the fullness belongs to God. 24 भजन संहिता का पहला पद, ये पृथ्वी और उसका भरपूरी पूरा का पूरा बस परमेश्वर का है। किसका है? परमेश्वर। The ground of a rich man yielded plentifully. धनी व्यक्ति का जमीन बहुत उपजाया उस साल। लेकिन वो जमीन किसका है? परमेश्वर का है। वो तो भंडारी है, वो तो भंडारी है। जमीन किसका है? परमेश्वर का। Yielded plentifully, बहुत उपज लाया। हगाई के 2:8 में लिखा है, द गोल्ड एंड द सिल्वर इज माइन। सोना चांदी मेरा है, हगाई का 2:8 में लिखा। हम लोग पैसा उठाते हैं ना, 500, 100 के नोट, वो सिर्फ कागज है। एक कागज में लिखा हुआ है 100 देगा। किसके आसर पर? सोने के आसर। रिजर्व बैंक में खास कर सोना रखना है। अगर रिजर्व बैंक में जाकर 500 के सोना देना है, वो प्रॉमिसरी नोट है। परमेश्वर बोले वो सोना चांदी सब मेरा है, तेरा नहीं। तुम सोना चांदी का क्या है? भंडारी है। पृथ्वी मेरा है, सोना मेरा है, चांदी मेरा है। और पहला कुरिन्थियों, गो टू आई थिंक इट्स वर्स 6 चैप्टर 6:19-20। क्या तुम नहीं जानते 6:19-20 क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह या तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और 20,
और ओके क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम्हें दाम देकर मोल दिए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अरे मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मैं सिर्फ भंडारी है। हम लोग सोचता है ये मेरा शरीर है, परमेश्वर बोला तेरा शरीर नहीं, तू भंडारी है, मेरा शरीर है। पृथ्वी परमेश्वर का है, सोना चांदी परमेश्वर का है, ये शरीर भी उसका है। जो जो इधर उद्धार नहीं मिला सृष्टि के कारण शरीर उसका है, जिसको उद्धार मिला सृष्टि और उद्धार के कारण शरीर उसका है। हमारा शरीर नहीं है, उसका शरीर है, हम ये शरीर का सिर्फ भंडारी है। अंडरस्टैंड हाउ फेथ कम्स, याद रखिए, समझिए कैसे विश्वास आता है। क्योंकि जो हम परमेश्वर के सामने वो दिन न्याय के लिए खड़ा होगा, डू यू नो व्हाट द जजमेंट इज, आपको मालूम न्याय क्या पे होगा? गिव अकाउंट ऑफ योर स्टुअर्डशिप, अपना भंडारीपन का जवाबदेही बनो, जवाबदेह। मैंने सुबह बोला थिस्सलुनीकियों 5:23 में, वो दिन हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा परमेश्वर पिता के सामने निर्दोष होना पड़ेगा। शरीर का भंडारी, तेरे प्राण की भंडारी, तेरे आत्मा का भंडारी, जो जो यो जीवन में परमेश्वर दिया सबके हिसाब चुकाना पड़ेगा, उसके अनुसार होगा न्याय। क्योंकि हमारे कुछ नहीं है, पृथ्वी उसका है, सोना उसका है, चांदी उसका है, ये शरीर भी उसका है। और ड्यूटरोनमी, चलिए व्यवस्था विवरण 8:18 8:18 ऐसा लिखा हुआ है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें दुर्थे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के शपथ से शपथ बांधी है, खाकर बांधी है, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। जो संपत्ति बनाने के लिए ताकत, वो भी उसने दिया। वो ताकत मेरा नहीं, मेरा ताकत नहीं। जो ज्ञान था, ज्ञान भी मेरा नहीं, उसका है। जो ताकत है वो मेरा नहीं, उसका है। जो परमेश्वर ने शरीर में मुझे दिया ज्ञान ताकत, वो ताकत का भंडारी है, मैं ऑनर नहीं। When you look into the word of God, जब आप ये वचनों को देखते हैं, we will understand why God is God, तब आप समझेंगे क्यों परमेश्वर ही परमेश्वर है। The earth is God's, सारा पृथ्वी उनका है। The ground is His, जमीन उनका है। The gold and silver is His, सोना चांदी भी उनका है। I am His, मैं उनका हूँ। My strength is His, मेरा ताकत उनका है। Go to 1 Corinthians 9, पहला कुरिन्थियों का 9 and verse 10, और 9 का दसवीं पद। हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। The where he gives you the seed and the sower. Okay, it must be the 8. James. No, no, it's about the Macedonian church. No, second Corinthians. Okay. Yeah. Chapter 9. Chapter 9, verse 10. Chapter 9, verse 10. 2 Corinthians 9:10. Patliji. So, जो बोने वाले की को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे उसे और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। बीज किसने दिया? The ground yielded plentifully. बीज किसका था? जमीन किसका था? तो भंडारी है। The ground is his. जमीन उनका। The seed is his. बीज उनका। यू आर हिज। आप उनके। द स्ट्रेंथ इज हिज। वो ताकत उनका। द गोल्ड इज हिज। सोना उनका। द सिल्वर इज हिज। चांदी भी उनका। व्हाट इज योर्स? आपका क्या है? नथिंग। कुछ नहीं। नथिंग। कुछ नहीं। नथिंग। कुछ नहीं। वंस वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के ये सच्चाइयों को जब आप थामना शुरू करेंगे, गो टू अगेन 1 Corinthians 3। अब पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय जाएंगे। 6 और 7। 6 और 7। 1 Corinthians 6:7। मैंने लगाया 3 का 6 और 7 पढ़ दीजिए। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर ने, his ground yielded plentifully,
वो धनी व्यक्ति का जमीन बहुत उपज दिया. Who gave the increase? लेकिन वो बढ़ोतरी कौन दिया? God gave the increase. God gave the increase. Did you see? If God doesn't give the increase, अगर परमेश्वर बढ़ोतरी नहीं देंगे, there is no increase. तो समझ लीजिए कुछ बढ़ोतरी नहीं होगा. So if you go through the parable, तो ये दृष्टांत को जब आप देखते हैं, the ground is God's, जमीन उनका, the seed is God's, बीज भी उनका, increase is God's, बढ़ोतरी उनका, the man is God's, मनुष्य उनका, the gold is God's, सोना उनका, silver is God's, चांदी भी उनका. What happened to this man? इस व्यक्ति को अब क्या हो गया? He was not rich towards God. ये वही परमेश्वर के प्रति धनी नहीं था. Ask, let me ask this question. अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा. Are you rich towards God? क्या आप परमेश्वर के प्रति धनी हैं? The psalmist says, भजन का लिखने वाला कहता है, Enter his gates with thanksgiving. उनके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो. And his courts with praise. और स्तुति के साथ प्रवेश करो. तो सोचना पड़ेगा उसकी फाटकों में कैसे प्रवेश करते हैं? धन्यवाद के साथ. क्यों? क्यों? मैं सिर्फ एक भंडारी हूं, जो कुछ दिया सब आपके, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं. धन्यवाद दिया आज सुबह? जीवन के लिए धन्यवाद दिया? जब आंख खोला बोला परमेश्वर धन्यवाद, मैं एक सिर्फ भंडारी हूं, आपने मुझे जीवन दिया, ये शरीर मेरा नहीं, रात को नींद में मर सकता था, और एक दिन दिया, और एक दिन दिया. अगर धन्यवाद नहीं दिया तो आप असल हृदय में नहीं समझ रहे, मैं भंडारी हूं, मैं मालिक हूं. हाउ इज अवर थॉट लाइफ? हमारा सोच विचार का जीवन कैसा चलता है? लाइक हिम? क्या इस व्यक्ति के जैसा है? आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस. अच्छा, तो मैं ये करूंगा, तब मैं वो करूंगा, तब मैं ये करूंगा. वो मालिक का सोच विचार है, भंडारी का नहीं. I told you by thinking, looking at your thoughts, you will know your faith life. मैं बता रहा हूं आपको, आप अपने सोच विचारों का नजरिया को जांचिए, आप जान लेंगे अपना आपका विश्वास का स्तर क्या है. Because faith is expressed in words. क्योंकि विश्वास प्रकट होता है शब्दों में. If you believe in your heart, क्योंकि अगर आप दिल में विश्वास करेंगे, confess with your mouth, मुंह से अंगीकार करेंगे, so faith is expressed in words. तो विश्वास शब्दों में दर्शाया जाता है. You can measure your own faith. आप खुद अपना विश्वास का स्तर मालूम कर सकते हैं. Are you an owner? आप एक मालिक हैं? Or are you a steward? या एक भंडारी? Do you know why people get upset? आपको मालूम है लोग नाराज क्यों हो जाते हैं? Because they think they are owners. क्योंकि उनको लगता है कि वो मालिक हैं. मालिक है. जब पाउल और सिलास को एक छुटकारे के काम फिलिपी शहर में किया और मारपीट खाकर रात को अंधकार को जेल में डाला, उन्होंने आराधना कर रहा था. कारण क्या है? उन लोगों को मालूम है हम मालिक नहीं हूं, हम भंडारी है, हम सिर्फ भंडारी है, हम मालिक नहीं हूं. अगर आपके हृदय में यह विचार है मैं सिर्फ एक भंडारी हूं, हर एक अवस्था में हम धन्यवाद की बेटी चढ़ाएंगे. Then things starts happening. तब आपके जीवन में परमेश्वर काम. Starting today. आज से. Yesterday we heard about salvation. कल हमने उद्धार के बारे सुना. Tonight think about stewardship. आज आप भंडारीपन के बारे सोचो. क्योंकि on the day of judgment. क्योंकि न्याय के दिन. When you stand before God. जब परमेश्वर के सामने आप प्रस्तुत किए जाएंगे. When I stand before God. जब मैं खड़ा रहूंगा. God will ask an account of stewardship. परमेश्वर आपका भंडारीपन का जवाब मांगेंगे. What did you do first with my body? तुम मेरा शरीर के साथ तुम क्या किया? My life. मेरा जीवन के साथ तुमने क्या किया? My resources. मेरे पदार्थ के साथ तुमने क्या किया? My strength. मेरे ताकत के साथ तुमने क्या किया? My wealth. मेरा धन के साथ तुमने क्या किया? सब उसका है. हिसाब चुकाना पड़ेगा. That is judgment. ये है न्याय. There was another parable. एक और दृष्टांत. Everyone was given talents. हर एक व्यक्ति को तोड़ा दिया गया. One was given one. एक को एक दिया गया. Another was given three. किसी को तीन दिया गया. Another was given five. तब किसी को पांच दिया गया. That is God's prerogative. वो परमेश्वर अपना मर्जी. We can't complain. हम शिकायत नहीं कर सकते. Why? क्यों? वो मालिक है. हम सिर्फ भंडारी है. People complain.
लोग ने शिकायत किया। God will say, why are you complaining? परमेश्वर बोले, तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? मैं मालिक हूँ, तू भंडारी हूँ, why are you complaining? तुम नाराज क्यों हो? Then the day of judgment came. तब परमेश्वर का न्याय का दिन आया। The one who had five made it into ten. जिसके पास पांच तोड़े थे उसे दस बना दिया था। One who had three made it into six. जिसके तीन थे उसने उसे छः बना दिया था। The one who had one. अब जिसके पास एक ही था। He didn't do anything. उसके साथ उसने कुछ नहीं किया। He didn't do anything. कुछ नहीं किया। He just hid it. बस जाके छुपा दिया। The master is upset. अब मालिक नाराज है। Wait a minute. एक मिनट रुकिए। Did he waste that one? वो एक तोड़ा को क्या उसने बेकार Did he go and drink it बर्बाद off? किया? क्या पी लिया उससे? Did he gamble and waste it? क्या उससे वो जुआ में बेच दिया? No. नहीं। He did nothing. ये सब कुछ नहीं किया उसने। What did the master say? मालिक ने क्या कहा था? Tie him and throw him into outer darkness. से बाहरी अंधकार में बांध करके फेंक दो। कारण क्या है? इसने ये याद नहीं किया, मैं ये एक का भंडारी हूं। He forgot the fact I have only one, but I am responsible for that one. वो भूल गया कि उसके पास ठीक है एक है, लेकिन वो एक के लिए भी वो जिम्मेदार ठहरेगा। भंडारी। We have to be careful how we live. हमें सावधान रहना है कि हम कैसे जीते हैं। After salvation, उद्धार के बाद, we come to Christ. हम लोग मसीह में आ गए। We received the gift of His Son. उनका बेटा का वरदान को हमने पा लिया। The Spirit of God has come in here. उनका आत्मा अब अंदर आ गया। It is the very life of God. ये परमेश्वर का ही जीवन मेरे अंदर है। It is the very life of God. ये परमेश्वर का ही जीवन आ गया। That is a life that overcomes. ये एक ऐसा जीवन है जो अब जय प्राप्त कर सकता It है। It overcomes. ये जय प्राप्त करने that वाला life cannot be defeated. ये जीवन को अब हराया नहीं जा सकता है। If it is defeated, अगर हरा दिया गया, it is my old life. तो वो मेरा पुराना जीवन the हरा दिया। The new life cannot be defeated. नया जीवन को हराया नहीं जा सकता। It is the life of God. ये परमेश्वर का जीवन है। And we will have to give an account. What did you do with my life? और हमें जवाब देना पड़ेगा। परमेश्वर पूछेंगे, तुमने मेरा जीवन के साथ क्या किया था? That is where faith comes. यहाँ पे विश्वास आ जाता है। That is where faith यहाँ comes. पे विश्वास को आना है। Faith comes from hearing. विश्वास सुनने से आता है। And hearing from the word of God. और मसीह की ये वचनों को सुनने से आता है। Now you go to James chapter 2. अब आप याकूब का दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। Interesting verse, verse 5. याकूब का दूसरा अध्याय पांचवी पद। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी? विश्वास में किसको चुना? कंगालों को। God has chosen the poor of this world किसके लिए? विश्वास में धनी होने के लिए। संसार के कंगालों को। संसार के कंगालों के। Now ask this question, am I rich in faith? अब चलिए पूछते हैं, क्या मैं विश्वास में धनी हुआ हूं? Am I rich in faith? क्या मैं विश्वास में धनी बना? Faith towards God. परमेश्वर के प्रति विश्वास? Faith towards God. परमेश्वर के प्रति विश्वास? We'll look at one story in the Old Testament. पुराने नियम में एक कहानी देखते हैं। Go to 2 Kings chapter 4. दूसरा राजाओं का चौथा अध्याय। 2 Kings chapter 4. And verse 8. आठवीं पद। फिर एक दिन की बात है कि एलिशा शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, और जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। मोर या 9 and 10। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, तो हम भीत पर एक छोटा ऊपरोठी कमरा बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहां आए, तब तब उसी में टिका करे। वर्स 11। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस अपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। यस, शूनेम में एक स्त्री है। कहानी वहां शुरू होते है। शूनेम में एक स्त्री है, खरगपुर में एक स्त्री है, एक व्यक्ति है, कोई भी हो, वो देख रहे हैं एक पासवान ऐसे चलते। उसने बोला, एक दिन आजा,
मेरे घर में आकर खाना खा लीजिए। वहां से शुरू हो गया उसका जीवन। देख ले, उसने समझा मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं पैसा का मालिक नहीं हूं, पैसा का भंडारी हूं, पैसा का भंडारी हूं। दिस इज हाउ गॉड लुक्स एट पीपल। इस रूप से परमेश्वर लोगों को देखते हैं। Everybody has something. सबके पास कुछ ना कुछ है। There is nobody here without anything. यहाँ कोई नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। Everybody has something. सबके पास कुछ है। The question is this. बात ये है। Will you use it for God? क्या उस चीज को आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे? Are you an owner? आप मालिक हैं क्या? Are you a steward? या आप भंडारी हैं? Are you an owner? आप मालिक हैं क्या? Are you a steward? या भंडारी हैं? First thing is, if your heart is of stewardship, अगर आपका दिल में भंडारी है, then you will see people. तब आप लोगों को देख पाएंगे। If you are owner, आप मालिक हैं, you will not see. तो आप नहीं देख पाएंगे। देख नहीं पा सकते। This is the thing. If you have to see, अगर आपको देखना है, your heart has to change. उसके लिए पहले आपका दिल बदलना होगा। मैं मालिक नहीं हूं, मैं भंडारी हूं। एक दिन हिसाब चुकाना पड़ेगा, तो यू विल बी एबल टू सी, तब आप देख पाएंगे। द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट सीइंग। समस्या यह है कि तो हमें तो दिखाई ही नहीं देता है। We are not able to see. हम नहीं देख पाते हैं। Because we think we are owners. क्योंकि हमें लगता है कि हम मालिक हैं, इसलिए We are owners. हमें लगता है मालिक हैं। So first thing to change is, Lord, I am not the owner. You are the owner. I am a steward. तो पहला चीज को बदलना ये मन में ये है नजरिया, प्रभु मैं मालिक नहीं, आप मालिक हैं। So let me see. तो मैं अब देख पाऊं। And she saw. और तब वो देखी। बहुत सारे लोग था वो शहर में, किसी ने भी देखा, एक स्त्री ने देखा। Elisha is going through. Elisha तो पार हो रहा है। कितने घर होगा उधर शुनेम में, लेकिन एक व्यक्ति ने देखा, एक व्यक्ति ने देखा, और वो व्यक्ति ने उसे बुलाया, घर पे बुलाया। बहुत साल आगे दूसरे एक देश में था, दो साल था उधर। ईसाई कलीश कुछ परमिटेड नहीं है, चर्च सब अंडरग्राउंड था उस समय। मैं कॉलेज में सिखाया कलीश के साथ काम करने के लिए, लेकिन रविवार के दिन सेवका होगा, सुबह 6 बजे से रात को 11:30 तक, 8 सर्विस, 8 अलग कलीश में। सुबह में निकलेगा अलग 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 कलीसिया में, ऐसे नहीं जाएगा ट्रैक सूट सब लगाकर, लोग को पहचान नहीं होते। हम जॉगिंग के जैसे जाकर पीछे जाकर सेवा के चलते, ऐसे साउंड सिस्टम कुछ नहीं है, सब बंद कर कर कर, एक गिटार होगा वो भी आवाज कम होगा, ऐसे कोई चिल्लाते नहीं। एक सेवकाई, दूसरा सेवकाई, तीसरा सेवकाई, 4, रात को अंतिम सेवकाई एक टैक्सी ड्राइवर के घर पे है। वो घर पे सेवकाई में आते टाइम में टैक्सी ड्राइवर का मिसेस पूछेगा, पास्टर साहब आज कुछ खाया? मैं बोला नहीं, बैठो अभी खिलाएंगे। 7 सेवकाई के लिए गया, 8वां सेवकाई में एक स्त्री था, उसने सोचा कुछ खाया? एक स्त्री, कारण क्या? उसका आंख खुला था, आंख खुला था। आज अब उन लोग के घर पे चले, टैक्सी ड्राइवर नहीं, परमेश्वर उन्नति दिया, उन्नति दिया। हमारे आंख खोलना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं देखेगा। हमारे अगर हमारे नजर हमारे ऊपर है तो हम कुछ नहीं देखेगा। We will not be able to see. हम लोग नहीं देख पाएंगे। Remember Joseph. याद रखिए यूसुफ को। झूठा इंसान लगाकर जोसेफ को पोटीफर में जेल में डाला। झूठा इंसान था। झूठे आरोप लाल के। लेकिन जेल में है। लेकिन एक दिन नए दो लोग जेल में आया। और एक दिन सुबह जोसेफ देख रहे हैं, क्या हुआ आज खुश नहीं है? Remember? याद है? Why is your face downcast? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? If you didn't see that, अगर वो उसे देखता नहीं उसका चेहरा को, it is from there. वहां से याद है शुरुआत होता है। Everything changes. वहां से सब कुछ बदलता है।
Did you see that? समझे? He's in jail. वो जेल में है. He's in chains. वो जंजीरों में है. But he's looking at somebody else. लेकिन वो किसी और का चेहरा को देखता है. Why are you upset? तुम नाराज क्यों हो भाई? Why are you upset? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? They said we had a dream. उन्होंने कहा हमने सपना देखा. He said you had a dream. तुम्हें सपना मिला? God interprets dreams. परमेश्वर बताते हैं सपना कर. Tell me your dreams. मुझे बता दो. एक मिनट. उसने क्या बोला? परमेश्वर सपना का एक मिनट. तूने भी एक सपना देखा ना? वो सपना देखकर तुम कहां पहुंचा? जेल में पहुंचा. अभी भी सपना पे विश्वास है? हाँ, परमेश्वर अभी भी विश्वास है. अभी तक छोड़ा नहीं. हम तो वो परमेश्वर को भी विश्वास छोड़ते हैं, सपना में भी विश्वास छोड़ते, लेकिन अभी भी विश्वास पकड़कर बोला तुम्हारा सपना बचा बताओ. फ्रॉम देयर उसका उन्नति शुरू हो जाएगा. Because he saw something. क्योंकि वो एक चीज को देख लिया. Because God's kingdom's laws are different. परमेश्वर के व्यवस्था, परमेश्वर का राज्य का जो नियम है वो अलग है. The नियम is like this. Give and it shall be given unto you. परमेश्वर का नियम अलग है. नियम ऐसा है, तुम दो तब तुम्हें मिलेगा. But to give, लेकिन देने के लिए I need to realize I am a steward. मुझे ये पहले ही मेरा नजरिया रहना चाहिए. I am not an owner. कि मैं भंडारी हूँ, मालिक नहीं. Because if I am owner, क्योंकि अगर मैं मालिक हूँ, I want to get. तो मुझे प्राप्त करने का मन रहेगा. God is the only owner. केवल परमेश्वर ही मालिक हैं. So he will ask, what did you bring? तो वो पहले पूछेंगे तुमने क्या क्या लाया. We are stewards. क्योंकि हम पहले भंडारी हैं. Stewards. भंडारी. If we don't think like a steward, अगर हम लोग भंडारी जैसा नहीं सोचेंगे, our breakthroughs will never come. हमारा छुटकारा नहीं आएगा. Never come. बंधन नहीं टूटेंगे. Never come. नहीं आएगा. Everybody in the Bible. हर एक व्यक्ति बाइबल में. Whenever they had a breakthrough. जब उनका छुटकारा होता है. It's because they thought as a steward. वो इसलिए क्योंकि पहले वो भंडारी जैसा सोचे. They did not think as an owner. वो एक मालिक जैसा नहीं सोचे. They did not think as an owner. वो एक मालिक जैसा नहीं सोचे. They didn't think as an owner. मालिक जैसा नहीं. So today first ask this question. तो पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए. How do you think about yourself? आप अपने बारे कैसा सोचते हैं? किस नजरिए से? Are you owner or are you a steward? क्या आप भंडारी का दृष्टिकोण रखे हैं या? So she saw Elisha passing by. तो वो एलिशा को देखी, वो पार हो रहा है. She told her husband. और अपना पति को कहे. Let us call him for lunch. चलो ना उसे हम लोग लंच के लिए बुला लेते हैं. Called him for lunch. उसे बुलाया. Called him for lunch. बुलाया. No, it is a big thing. क्या बड़ा बात है? पासवान के लिए थक जाते, कोई भी नहीं बुलाते, सब बोलते प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बेचारे थक जाते. हमको मालूम है ना कैसे होता है. सुबह से शाम तक फोन तो बंद ही नहीं होता. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, कोई भी एक बार पूछते खाए या नहीं, पूछ नहीं पूछता. एलिशा भी शिक्षा देकर एक घर में बोला आकर खाओ. प्रार्थना भी नहीं माना, शिक्षा भी नहीं मांगा, सिर्फ खाओ. जब जब यीशु मसीह जाते बेतनी में एक घर था, आओ खाओ. इसलिए यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन के बाद आरोहण करने के लिए कहां तक गया? बेतनी तक जाकर आशीष देकर कला है. कहां? एक घर है यहां. यरूशलेम में नहीं जाओ. वापस आते टाइम में कहां आएगा? यरूशलेम में. जाते टाइम में बेतनी से जाएगा. कारण एक घर था जहां मुझे खाना मिला. जेरूसलम से नहीं गया, बेतनी से गया. बेतनी से गया ना? तो हम सोचना पड़ेगा. ये स्त्री है, वो सोच रहे, एक व्यक्ति जा रहे, उसे घर में बुलाया, खाना खिलाया, उधर नहीं रोका. देन शी इज गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप. तब वो अगला कदम पे गई. शी सेड टू हर हस्बैंड. अपना पति को अब कहती है. जो जो स्त्री लोग इधर बैठा हुए वो ये असली तरीका पति से बोलो. अपने आप मत करो. सुना? अपने आप करेगा तो क्या होगा? आप बोल रहे मैं हूं मालिक, तू भंडारी है. वैसे मत करना कि स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है. वो पुरुष के सिर कौन है? क्रिस्त है. क्रिस्त के सिर कौन है? पिता है. पिता है मालिक, बाकी सब भंडारी है. यीशु ने भी बोला मैं भी भंडारी हूं. Understood? So, पुरुष से पूछ लो. ये स्त्री क्या किया? पुरुष से पूछ लिया. उन्हें क्या बोला? एक छोटा कमरा बनाएगा. कमरा बनाया. बहुत को लोग के पैसा है लेकिन कमरा नहीं बनाते.
एक जगह में गया, मैसूर में जाया, सब प्रार्थना कर रहे, चार पांच विश्वासी लोग सब आकर प्रार्थना कर रहे। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर कलीसिया के लिए जगह चाहिए, परमेश्वर जगह चाहिए। मैं बोला एक मिनट भाई, भाई आपको कितना जमीन है? मैं 2 एकड़, आपका 1.5 एकड़, आपका 3 एकड़, जगह नहीं दे सकते, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। अब क्या बोल रहे परमेश्वर? हाँ से इतने सारे जगह है फिर भी नहीं देगा, सब सोच रहे मालिक है, इधर भंडारी कोई है? सच है, सच है, सबके पास जमीन है, नहीं देगा, कारण सब मालिक है, भंडारी कोई नहीं। अगर भंडारी है तो पूछेगा प्रभु मैं क्या करूं। अरे स्वर्ग में परमेश्वर से नोट नहीं बनाता, नोट सब इधर है, सब कलीसिया के अंदर है, लोग नहीं देते। सोना चांदी इधर है उधर नहीं, सब इधर है। परमेश्वर के राज्य के सारे काम के लिए सब कुछ कलीसिया के अंदर है, लेकिन सब मालिक है, भंडारी नहीं, भंडारी भी नहीं। जब पहली कलीसिया शुरू हो गया उधर मालिक नहीं था, सब भंडारी था, देख लिया, सब भंडारी था। इसलिए वजन में लिखा है वो कलीसिया में कमी कुछ नहीं था, जो जो अमीर था सब जमीन बेचकर प्रेरित की पैर पर रखा। कारण क्या है? हम लोग सब क्या है? भंडारी है, भंडारी है। अब्राहम मालिक नहीं था, भंडारी था, इसलिए उसने क्या किया? अपने एकलौटा पुत्र को भी बेदी पर डाल दिया, मैं भंडारी हूं, ये तेरा बेटा, मालिक तू हूं। सोच लो, ये है विश्वास का जीवन। विश्वास के जीवन, आप मालिक, मैं भंडारी। सो शी सेड, इसीलिए उसने कहा, लेट अस मेक एन अपर रूम, एक ऊपर का कमरा बनाएंगे। सोच लो, जहां जहां जाते बोलते सब घर में एक रूम बनाओ, क्योंकि एक दिन आ रहे कलीसिया सब बंद करेगा, वो टाइम है, मिलने के लिए जगह चाहिए, मिलने के लिए जगह चाहिए। जो जो देश में मैं जाती हूँ जहाँ ईसाई की ऐसे मिलने के लिए परमिशन नहीं है, सबके घर में एक जगह है, मिलने के लिए जगह है। कोई केस रूफ सीलिंग की उधर है, ऐसे खड़े होकर वजन देना पड़ेगा, कहीं खड़ा हो जाएगा तो सिर सीलिंग पर आएगा, लेकिन जगह बनाया है सब। अभी तो आज़ादी है, लेकिन एक दिन जाएगा तो रूम है, सोचा उसके बारे में? इसलिए हगाई के पुस्तक में परमेश्वर बोला है, सपने अपने अपने घर में आया, मेरे घर तो नहीं, सब तो मालिक है, इधर भंडारी कोई है? मैंने कल बोला, यीशु मसीह ने बोला, जो विश्वास करते हैं उसके पीछे ये चिन्ह सब आएगा। हम चिन्ह के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, चिन्ह हमारे पीछे आएगा। हम पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता खोजेगा तो ये सब थोक, ये सब चीज मैंने जोड़ देगा बोला है। लेकिन परमेश्वर का राज्य कैसे खोजते? भंडारी के रूप में खोजते। आई टेल द चर्चेस, मैं कलीसियाओं को बताता हूं, टू स्टार्ट इन द फेथ लाइफ, विश्वास का जीवन शुरू करो, इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं है, बट वंस यू स्टार्ट, एक बार जब शुरू हो जाता है, यू विल रियलाइज इट इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर लाइफ, तब आप समझ जाएंगे कि ये रूप के में चलने से ज्यादा मजबूत ये जीवन है। व्हाई? क्यों? मनी विल फेल, क्योंकि एक समय आएगा जब पैसा का अभाव चला जाएगा। गॉड विल नेवर फेल, लेकिन परमेश्वर कभी पराजित नहीं होंगे। गोल्ड विल फेल, सोना खत्म हो जाएगा। गॉड विल नेवर, परमेश्वर कभी पराजित नहीं होंगे। सो व्हेन यू आर वॉकिंग बाय फेथ, तो जब आप विश्वास से जी रहे हैं, इट इज गॉड यू आर ऑनरिंग, तो आप परमेश्वर का आदर करते हैं। गॉड यू आर ऑनरिंग, परमेश्वर को आदर मिलता है। एंड दीस साइंस विल फॉलो, और तब ये चिन्ह पीछे पीछे आएंगे। बट व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन क्या होता है? पीपल आर ऑल रनिंग आफ्टर साइंस, लोग बस चिन्ह कर रहे हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू लिव दैट ऑथेंटिक लाइफ, वो खरा मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं। सी, वी शुड बी ट्राइंग टू गेट पीपल इनटू द किंगडम,
हमें कोशिश जरूर करना है लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। There is one thing written in the Bible, एक चीज बाइबल में लिखी हुई है, which only the church has the power. जो केवल कलीसिया में वो सामर्थ्य है। Peter says, पतरस कहता है, the church has the power to hasten Christ's coming. कलीसिया में वो सामर्थ्य है कि परमेश्वर का आगमन को, मसीह का आगमन को तुरंत कर दे, तुरंत कर दे, कर सकते। But the bridegroom is delayed. लेकिन दुल्हा का आना देर हो रहा है। Why? क्यों? Because the church is busy in other things. क्योंकि कलीसिया बहुत व्यस्त हो गई है दूसरी बातों में। It is written the church can hasten his coming. लिखा हुआ है कि कलीसिया तुरंत कर सकती है यीशु के आगमन। But is looking at the kingdom. ये होता है राज्य को देखना। At the kingdom. राज्य को देखना। Wherever you are. जहां कहीं भी। Whatever your job is. आप जो भी काम कर रहे हैं। What is your job? आपका क्या नौकरी? To be a witness. आपका काम ये है कि आप गवाह बने। Witness. गवाह। जोसेफ को चार जॉब्स था, काम था। एक पहले इसके पिता के घर में, दूसरे पोटिफर के घर में, तीसरा जेल में, और चारवां कहाँ, फैरो के घर में। तीन जगह में, एक बाबा के घर छोड़ लो, तीन जगह में उसका आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है, पहचान हिब्रू, इब्रानी। पोटिफर के मिसेस बोला हिब्रू। जब राजा का स्वप्न आया उसने बोला जेल में कौन था, एक हिब्रू। और राजा के घराना में अकेले बैठकर खाते कारण हिब्रू के साथ साथ मिस्र देश के लोग नहीं खाते, उसके एक की आइडेंटिटी पहचान है क्या है, वो हिब्रू है। जब उसकी पहचान हिब्रू, उसके अर्थ क्या है, वो है उसकी गवाही, वो है उसकी गवाही। मेरा सवाल है, आप दफ्तर में है, रेलवे में है, कहीं भी हो, आपका गवाही क्या है? लोग जब आपको देखते बोल सकते ये तो ईसाई है, इसका जीवन ईसाई सब जोड़ रहा है, ये अलग है, ये है हमारे गवाही। जब ऐसे लिखा है, जब पाउल और सिलास वो बारात को 12 बजे जेल में आराधना करना शुरू किया, बाकी बंदी लोग सब सुन रहा था, क्योंकि ऐसे गवाही अभी तक सुना नहीं। जेल में मारपीट खाने लोग, वो लोग चिल्लाते हैं, they shout, वो चिल्लाते हैं, they abuse, चीखते हैं, they scream, गाली बकते हैं, they cry, रोते हैं, nobody sings, कोई गाता नहीं है, कोई गाता नहीं। हम जैसे लोग हैं जो समस्या में गाने लोग हैं, गाते हैं, आपकी समस्या में आप गाते हैं? Do we sing? क्या हम गाते हैं? If we sing, अगर हम गाते हैं, then they will ask, तब वो लोग पूछेंगे, Why are you singing? तुम क्यों गा रहे हो? तो बोलेंगे, मैं परमेश्वर अलग है, मेरा परमेश्वर अलग है। But we don't sing. लेकिन हम लोग नहीं गाते। Why? हम लोग सब मालिक है। क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग मालिक हैं। हम लोग मालिक नहीं, हम भंडारी है। गेट दिस राइट, हम लोग सब भंडारी है। ये दृष्टिकोण सही कीजिए, हम सबसे भंडारी हैं। अय्यूब को मालूम था, मैं मालिक नहीं हूं, मैं भंडारी हूं। एक दिन में सब कुछ खो गई, संपत्ति, बच्चे, सब। मालिक नहीं था, भंडारी था। इसने उसने क्या किया, आराधना की, किया बोल, आपने दिया, आप लिया, आशीष हो। लेकिन उसकी श्रीमती मालिक था, भंडारी नहीं। श्रीमती क्या बोला, परमेश्वर को श्राप कर कर तुम आत्महत्या करो, मैं दूसरा को शादी करेगा। कारण क्या क्या है, मालिक नहीं, पति भंडारी। हमारा प्रतिक्रिया, आवर रेस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन, हमारा प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर हर एक परिस्थिति में विल टेल अस हु वी आर। उसी से पता चलेगा कि हम लोग का सच्चा पहचान क्या है, हु वी आर, कि हमारा सच्चा पहचान हम कौन है। दिस थिंग हैज टू बी करेक्ट इन आवर लाइफ, ये चीज को हमें जिंदगी में सही करना पड़ेगा। हु एम आई, मैं कौन हूं, एम आई ए स्टूअर्ड और एम आई ए ऑनर, क्या मैं मालिक हूं या मैं भंडारी हूं आज। हु एम आई, मैं कौन हूं। व्हेन जीसस केम, जब यीशु आए थे, ही केम एज अ स्टूअर्ड, वो एक भंडारी के रूप में आए थे, मालिक के रूप में नहीं आया।
He said, I will not do anything other than what I have heard my father. उसने कहा कि मैं एक ऐसा गलत चीज नहीं करूं जो मेरे पिता ने नहीं कहा, मैं नहीं करूंगा. What I see, जो मैं उन्हें देखता हूं, What I hear, मैं जो सुन रहा हूं उनसे, I do. वही मैं करूंगा. वो कहां देखते? एक भंडारी के जीवन में कहां देखते? उसकी प्रार्थना के जीवन में देखते. हमारे प्रार्थना अलग है. हमारा प्रार्थना मालिक के प्रार्थना है, भंडारी के नहीं. हम मालिक है परमेश्वर, भंडारी है मुझे ये चाहिए याचे यीशु मसीह के नाम में, आमीन दे दो. हम मालिक, वो भंडारी. मार्कोस के 1:35 पढ़ लीजिए, देखिएगा भंडारी. मार्कोस 1:35 1:35 में ऐसा लिखा हुआ है. आपके फोन साइलेंट में रख दीजिए प्लीज. और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला. कौन उठकर निकला? यीशु मसीह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गए. एक जंगली स्थान में गए और वहां प्रार्थना करने लगा. प्रार्थना करने लगा. कौन है ये? यीशु मसीह. कारण क्या है? भंडारी है. उसकी पहले दिन सुबह से शाम तक सेवकाई था, प्रचार, चंगाई, छुटकारा, रात तक पूरा सेवकाई था. लेकिन अगले दिन सुबह उठा, जंगली स्थान में जाकर प्रार्थना कर रहे. कारण नया दिन शुरू हो रहे. मैं मालिक नहीं हूं, मैं भंडारी हूं. पिता आज मैं क्या करूं? आज क्या करूं? कारण क्या है? मैं भंडारी हूं, मालिक नहीं. अब अगले पद पढ़ लो, 36 पढ़ लो. तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए. इन लोग ने ही प्रार्थना किया, सो रहा था. अब उठकर देखते यीशु नहीं. अब हाँ, वो तो जंगली जगह में होगा, प्रार्थना के लिए गया, खोज कर गया. क्या बोला उन लोग? जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं. उसने उनसे कहा, आओ. उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं. आमेन. देख लिया, लोग सब सुबह सुबह आया. कारण क्या है? प्रार्थना के लिए, चंगाई के लिए. सुबह सुबह आया. अब पत्रोस आकर बोल रहे, प्रभु लोग सब आया हूं. यीशु बोले, सॉरी, दूसरे जगह में जाना है. नहीं, ये लोग आया नहीं, दूसरे जगह जाना है, क्योंकि मैं भंडारी हूं. आज सुबह सुना, यहां नहीं मिनिस्ट्री, उधर है मिनिस्ट्री. सबको छोड़कर दूसरे जगह गए. कारण के मैं मेरा समय का मालिक नहीं हूं, मैं ये शरीर का मालिक नहीं हूं, मैं ये समय शरीर का सिर्फ भंडारी हूं. हमारे प्रार्थना के जीवन हमारे मन के सोच विचार दिखाएंगे मैं भंडारी हूं कि मालिक हूं. लोग क्यों प्रार्थना नहीं करते? सुबह सुबह उठकर यीशु मसीह प्रार्थना करने की जरूरत है. लेकिन सुबह उठकर प्रार्थना कर रहे. कारण क्या है? मालूम है, मैं ये शरीरदारी पाकर आया. मैं कौन हूं? मैं सिर्फ एक भंडारी हूं. एक दिन पिता के आगे खड़े होकर बोल सकते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार में सब कुछ किया. हमारा प्रार्थना का जीवन बदलेगा अगर हम भंडारी रूप में सोचेगा तो. प्रार्थना का जीवन बदलेगा. जब तक हम मालिक के रूप में देखे, हमारे प्रार्थना में फर्क नहीं होता. अब प्रेयर लाइफ, बिकॉज इफ दिस कंट्री हैज टू बी चेंज्ड. देखिए, अगर ये देश में बदलाव आना है, दिस कंट्री हैज टू बी चेंज्ड. अगर ये देश में बदलाव आना है, इट विल नीड मेन एंड वीमेन लाइक दैट. ऐसे किस्म के लोगों का जरूरत होगा जो भंडारी है. दोस्त वर्ड्स टू वर्ड्स, जो भंडारी है, नॉट मालिक्स. मालिक नहीं, हियर आई एम, मैं यहां हूं प्रभु. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. वो पहला कदम, पहली कदम वो है. जोसेफ के इतिहास अब देख लो. जोसेफ एक दिन राजा होगा, लेकिन शुरुआत कहां है? एक दिन पिता बोल रहे, तुम्हारे भाई लोग सब शिकेम में है, जाओ देख लो उनके. उसने बोला, मैं इधर हूं. फ्रॉम देयर ही बिगिंस. अगर उसने बोलता है, नहीं मेरे भाई लोग सब मुझे गुस्सा है, कोई भी मुझसे बात नहीं करते, मैं क्यों जाऊं, इतने सारे नौकर है, दो को भेज लो. अगर वे बोलेगा तो उसका मिनिस्ट्री खत्म नहीं शुरू होता. लेकिन इट बिगिंस वर्ड्स, हियर एम आई, मैं यहां हूं. इन शब्दों से शुरुआत होता है मिनिस्ट्री. हियर एम आई, मैं यहां हूं. हियर एम आई, मैं यहां. दैट इज वेयर इट बिगिंस. यहां से ही शुरुआत होगा. एनीबॉडी,
किसी कोई भी व्यक्ति एनी एज कुछ कोई भी उम्र एनी एज कोई भी उम्र एट 80 18 साल मोसेस फाइनली सेड सॉरी 80 साल मूसा ने कहा हियर आम आई मैं यहां हूं फर्स्ट ही सेड आई कैन नॉट स्पीक पहले तो वो कह रहा आई कैन नॉट डू एनीथिंग मैं कुछ नहीं कर सकता आई कैन नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा आई डोंट हैव एनीथिंग मेरे पास तो कुछ है ही नहीं गॉड से तेरे हाथ में क्या है उसने बोला एक लाठी परमेश्वर बोला वो लाठी से मेरे धन को लेकर आएगा सिर्फ ये करना ये लाठी समर्पण करो उसने समर्पण किया आते वक्त परमेश्वर ने बोला वो लाठी उठाओ उसकी बाद वजन पढ़ लो वो लाठी का नाम क्या है परमेश्वर की लाठी कारण समर्पण किया दैट इज हाउ इट बिगिंस ऐसा शुरुआत होता है That is how it begins. ऐसा शुरुआत And God needs people, men, women, and children who will surrender. और परमेश्वर को ऐसे लोगों का जरूरत है जो सच में समर्पित होंगे. He needs women who will surrender. उन्हें जरूरत है स्त्रियों का जो समर्पित होंगे. Elkanah has two wives. Elkanah की दो पत्नी हैं. One is delivering. एक तो बच्चा जन्मते जा रही है. Another one no children. और दूसरा बांझ है. Every time they go to the temple. बार बार जाते हैं मंदिर. She is crying. और वो रो रही है. No answer. कुछ जवाब ही नहीं ऊपर no answer. कोई जवाब नहीं मिलता then once when they go, एक बार जब वो जाते हैं Hannah cries, तब हैना जाके रो रही है and then she says, और तब एक चीज कहती है If you give me a son, अगर आप मुझे एक बेटा देंगे it will be yours forever. वो मेरा नहीं आपका हमेशा रहेगा and a razor shall never touch his head. और he shall be a Nazarite all his life. और वो नासरी रहेगा छुरी उसके बालों पे नहीं आएगा God heard. परमेश्वर सुन लिए God heard. परमेश्वर सुन लिया Why? क्यों? She said, क्योंकि उसने कहा I have nothing. मेरे पास कुछ नहीं है I just have a womb. मेरे पास एक गर्भ है I can give it to you. मैं ये दे देती हूँ I give it to you. मैं ये गर्भ दे देती हूँ I give it to you. मैं आपको दे देती हूँ आज कितने माँ इधर बैठा हुए सबके प्रार्थना की है मेरा बच्चा डॉक्टर मेरा बच्चा इंजीनियर अब तो मालिक बन गई भंडारी नहीं अगर परमेश्वर से जाकर पूछा प्रभु आप मेरे घर छुआ है ये बच्चे मेरा नहीं है आप बताइए ये बच्चा क्या होना है जब रिबेका गर्भ 20 साल के उपवास और प्रार्थना के बाद जब प्रभु ने छुया दो बच्चे था जो परमेश्वर ने जाकर परमेश्वर से रिबेका ने पूछा परमेश्वर इधर क्या हो रहा है परमेश्वर बोला दो बच्चे है जो देश है इसमें छोटे को मैंने चुना हुआ है किसने चुना छोटे को वजन में क्या लिखा है मालूम है जो बच्चे आया पहले था इसो दूसरा था रेबेका ने क्या किया याकूब को उसकी साथ रखा इसे परमेश्वर ने छुआ है इसो को नहीं रखा मां है दोनों को प्रेम करते हैं लेकिन परमेश्वर ने इसको गर्भ से चुना है इसलिए ईसो जाते हैं बाहर लेकिन याकूब मां के साथ है तंबू में एक मिनट जब याकूब के जन्म हुआ ईसा के उम्र 60 साल उसकी अर्थ क्या है इब्राहिम की उम्र 160 साल कितने उम्र में इब्राहिम मरा 175 में इसकी अर्थ क्या है रिबेका ने याकूब को उसके साथ तंबू में रखा इसलिए उसकी संगति किसके साथ चल रही है 15 साल इब्राहिम के साथ इसलिए याकूब ने जीवित परमेश्वर को खोजा किसने उसके मां ने उसको अलग किया ईसो ने कभी भी नहीं खोजा वो शिकारी था हम पूछते हैं क्या हमें गर्भ नहीं है ये परमेश्वर का है हम इसका सिर्फ भंडारी है हम मालिक नहीं क्योंकि सबकी प्रार्थना क्या है प्रार्थना सुनते सुनते पासवान के रूप में कितने सारे देश में कितने हजार मीटिंग में प्रार्थना के जो आते हैं सुनते मालूम है यह मालिक है भंडारी नहीं प्रार्थना हम करते लेकिन मालूम है प्रार्थना करते करते उत्तर तो नहीं मिलेगा कारण मालिक का प्रार्थना कौन सुनेगा भंडारी की प्रार्थना सुनते अब सोचना पड़ेगा मेरा प्रार्थना कैसे है क्योंकि उसकी आगमन इतने पास आ गई न्याय के दिन इतने पास आ गई उसके सामने हम खड़े होते टाइम में क्या हिसाब देगा लुक एट द
the people in the Bible. देखिए बाइबल में लोगों को. Look at the people in the Bible. उन लोगों को बाइबल के लोगों को देखिए. You will realize. और आप समझेंगे. You will realize. आप समझ जाएंगे. There is a problem here. यहाँ पे तो एक समस्या हो रहा है. There is a problem here. एक समस्या है यहाँ पे. जो मालिक है जो भंडारी है. कौन है मालिक कौन है भंडारी पता चल जाए. This is a woman. ये एक स्त्री. There are men. और पुरुष भी होते. There are women. और स्त्री भी हैं. Who are maliks and who are bandaris? You have to ask yourself. आपको बस अपने आप से. Because if you change that, क्योंकि इस चीज में अगर आप बदलाव ला दिए ना, your thought life will change. तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा. पहली कुरिंथियों की 4 की पहले अध्याय हमने पढ़ना ना, 4 के 1 हमने पढ़ा ना भंडारी के बारे में. और दूसरा एक पहले एक पढ़ लो और उसके बाद दो पढ़ लो. 1 Corinthians 4:1-2. मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे. हम मसीह के भेदों की भंडारी है. दूसरा फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले. विश्वास योग्य निकले. अगर मैं भंडारी है तो क्या होना पड़ेगा? विश्वास योग्य होना पड़ेगा. जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते टाइम में परमेश्वर बोल रहा है ना, शब्बास असल और विश्वास योग्य. भला और विश्वास योग्य. भला और विश्वास योग्य बोल सकते हमारे बारे में, मेरे बारे में बोल सकते परमेश्वर, तुम विश्वास योग्य भंडारी था. आप सोच लो, यीशु मसीह का इतने सारे 12 चेला था, एक गया, बाकी 11 था और दूसरे भी था. और बहुत साल बाद दमास्कस के रास्ते में साउल को पकड़ा. साउल का पहला सवाल, आप कौन है? यीशु. दूसरा सवाल, मैं क्या करूं? दूसरा सवाल, क्या करूं? आजकल क्या होता है, आप कौन है? यीशु मुझे उद्धार दिए. और 15 साल के बाद सोचेगा कि मैं क्या करूं. वो भी नहीं बोलते, हर दिन बोलते तुम मेरे लिए क्या करो. पहले सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल, हु आर यू, आप कौन है प्रभु? जीसस ऑफ नाजरेथ, यीशु. सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल, व्हाट यू वांट मी टू, आप क्या चाहते हैं कि मैं. परमेश्वर ने क्या बोला? इट विल बी टोल्ड यू, ये तुम्हें बता दिया जाएगा. सो इफ यू आस्क, तो अगर आप, अगर भंडारी के रूप में आप पूछेगा तो परमेश्वर क्या बोलेगा? जरूर बताएंगे. क्या करो? चलो दमास्कस में ठहरो. वजन में लिखा हुआ वो अंधा था, अंधा हो गया और उन लोग उसे लेकर गया. 3 दिन खाना नहीं खाया, फास्टिंग में बैठ रहे. दूसरा एक व्यक्ति है अनानियास बोलकर व्यक्ति, वो अनानियास से बोल रहे, चलो वो शहर में, चलो वो सड़क में, चलो ये घर में. साउल नाम का एक व्यक्ति है. परमेश्वर ने क्या बोला? वो व्यक्ति क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे. अरे प्रभु देखा उसका प्रार्थना. बिहोल्ड दैट मैन इज प्रेइंग, देखो वो व्यक्ति प्रार्थना करता है. अनानियास को मालूम नहीं, दमास्कस के मलीशा को मालूम नहीं, परमेश्वर बोले वे व्यक्ति प्रार्थना कर रहे. क्या है उस प्रार्थना? मैं क्या करूं? प्रभु बोले उससे बोलो मैं उन्हें चुना हुआ है. 3 दिन एक व्यक्ति को परमेश्वर को उसके जीवन का उद्देश्य क्या है मालूम पड़ने के लिए. उद्धार के बाद कितने दिन? 30 साल के बाद भी लोगों को मालूम नहीं उद्देश्य क्या है. कारण भंडारी नहीं, मालिक के रूप में चल रहे. लेकिन आज रात को अपने आप घर में जाकर बैठकर बोलो परमेश्वर मैं भंडारी हूं, मैं क्या करूं? बताएंगे, बताएंगे परमेश्वर. नहीं तो कैसे भंडारी होगा? अब सोच लो, इतने सारे चेले था, पीटर था, जेम्स था, जॉन था, ये लोग सब था. और उसके बाद इतने साल के बाद पाउल आया. आप देख लो नया नियम ज्यादातर ज्यादा किसने लिखा? पौलुस ने. कारण क्या? भंडारी के रूप में विश्वास योग्य था. विश्वास योग्य था वो. इसलिए परमेश्वर के सब दैट मिस्टरीज ऑफ गॉड, परमेश्वर के भेद पौल को दिया, पीटर को नहीं दिया. नहीं दिया. रोमी फिलिमोन तक सब किसने लिखा? पौल ने लिखा. हिब्रू भी बोल रहे हैं पौल ने लिखा. कारण क्या है? भंडारी के रूप में विश्वास योग्य था.
पत्रोस विश्वास योग्य नहीं थे, अंत में विश्वास योग्य था। गलतियर के पुस्तक में लिखा है, जब जेरूसलेम में याकूब के पहचान जो लोग आया, पत्रोस अलग हो गया। तो मैंने खड़ा होकर उसके चेतावनी दिया, हम विश्वासी लोग वैसे नहीं करते। कारण क्या है? पत्रोस दो टाइम में भंडारी नहीं मालिक बन गया। इसलिए रहस्य को परमेश्वर पत्रोस से नहीं बोला। जब पहला पत्रोस दूसरा पत्रोस लिखा है, पत्रोस के जीवन का अंत हो गया। कारण क्या है? भंडारी के रूप में पत्रोस भी क्या नहीं था? विश्वास योग्य नहीं था। हम परमेश्वर का रहस्य मांग रहे, परमेश्वर बोला तो विश्वास योग्य है, तो भंडारी है। हमारे दौड़ कब शुरू है उसमें कोई फर्क नहीं। पाउल का दौड़ बहुत बाद हुआ, लेकिन वो विश्वास योग्य था, पहले से विश्वास योग्य था। So you may be starting today. तो शायद आप आज से शुरुआत कर रहे होंगे अपना। Today 22nd of November. 22 नवंबर से। Doesn't matter. कोई फर्क नहीं। Doesn't matter. कोई फर्क नहीं। Musa started at 80. मूसा तो 80 वर्ष में शुरू किया था। At 40. 40 में। परमेश्वर को उद्देश्य, लेकिन मैं है मालिक, तलवार बोकर चला। फिर 40 साल उगाड़ साल में, 80 साल में भंडारी हुआ। भंडारी हुआ। हिब्रायर के 3 में लिखा है, परमेश्वर के सारे घराने सेवक के रूप में मूसा विश्वास योग्य था। कब शुरू हो गया? 80 में। 80 का उम्र में कोई है यहां शुरू सकते आज? परमेश्वर के लिए फर्क नहीं पड़ता। मूसा स्टार्टेड एट 80। मूसा 80 वर्ष में शुरुआत किया, बट 80 ही बिकेम अ स्टूअर्ड। लेकिन 80 वर्ष में वो एक भंडारी बन गया था। एंड ही वाज फेथफुल टिल द एंड। और तब अंत तक विश्वास योग्य रहा। अंत तक विश्वास योग्य रखा। लिखा है, मोसेस वाज फेथफुल इन द होल हाउसहोल्ड ऑफ गॉड एज अ सर्वेंट। परमेश्वर के सारे घराने में मूसा ही विश्वास योग्य था, एक दास के रूप में। व्हेन डिड ही स्टार्ट? कहां से शुरुआत हुआ? 80। 80 वर्ष। कि नहीं, ऐसे ऐसे बाल सफेद होते टाइम में क्या होते हैं लोगों को? निराशा होती है, मेरा टाइम तो खत्म नहीं होगा। 80 में है तो 80 में शुरू करो, 90 है तो 90 में शुरू करो। योर एज इज इरेलेवेंट। आपका उम्र से फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन यू हियर, जब आप सुनते हैं, बिलीव, विश्वास कीजिएगा, सरेंडर, और तब समर्पित हो जाइए। हियर आई एम, मैं यहां हूं प्रभु, आज से मैं मालिक नहीं हूं, आज से मैं भंडारी हूं। हियर आई एम, मैं यहां। वेयर एवर यू सेंट मी, जहां भी आप मुझे भेजेंगे ना, आई विल गो, मैं जाऊंगा। देन साइंस विल फॉलो, तब चिन्ह पीछे पीछे करेंगे। साइंस विल फॉलो, तब चिन्ह पीछे पीछे आएंगे। देन यू विल सी थिंग्स हैपनिंग, तब आप देखेंगे चीज होते हैं। व्हाई? क्यों? बिकॉज यू ऑफर्ड योरसेल्फ एज अ भंडारी, क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, प्रस्तुत कर दिया एक भंडारी के ही रूप में। देन फेथ विल हैपन, तब विश्वास काम करने लगता है। आई हैव शेयर्ड विद चर्चेस, मैं कलीसियाओं से यह बांटा हूं, My experiences, मेरे अनुभवों को। This will only happen when you obey. ये सिर्फ तभी होता है जब आप मानेंगे। Once, एक बार, I'm in a country. मैं अपने देश में हूँ। अपने देश में, दूसरे एक देश में। Yes. In another country. एक दूसरे देश में हूँ। But ministry is not allowed. जहाँ पे सेवकाई प्रतिबंध है। Passport है। On inside. But I have to go in another place. लेकिन मुझे एक दूसरे जगह में जाना है। उसके लिए पेपर नहीं है, वो उसके लिए कागजात नहीं। लोग मुझे अंदर लेकर चल रहे, लेकिन सिक्योरिटी बॉर्डर गार्ड है, सिपाही लोग खड़ा हुआ है, कार में चल रहे, मैं आगे बैठा हुआ है। मैं हूं इंडियन, चेहरे से मालूम होगा, बाकी लोग सब विदेशी, लेकिन मेरे पास पेपर नहीं है, पकड़ेगा तो खत्म। तो उधर पहुंच रहे, मैंने बोल रहे, परमेश्वर मैं क्या करूं? आत्मा में बोल रहे, जब मेरे पुत्र संसार में चला, अंधा आंख खुला, मैं खुले आंख बंद कर सकते हूं। मैं प्रभु वजन में दिखा, उसने बोला, एलिशा ने देखने आंख बंद कर दिया, इसने मैं मुख खोल कर भरा, मैं ये गपोस से चलेगा, एक व्यक्ति भी मुझे नहीं देखेगा। उम्र चलिए, उन लोग ऐसे देख रहे, मुझे नहीं देखा। विश्वास कर सकते, विश्वास कर सकते। दूसरे एक अवसर, वैसे एक जगह में जा रहे, लेकिन इस बार क्या है,
अंडरग्राउंड चर्च के लिए पैसा लेकर जा रहे हैं, बॉक्स में पैसा है, लाखों रुपया है, बस में सीट नंबर वन में है बैठा हुए, सीट नंबर वन दरवाजे के फर्स्ट सीट। रास्ते में रोका, कौन? पुलिस नहीं, सिपाही, आर्मी। बस रोको, रोका, पैसेंजर सब उतरो, उतरा, सब एक लगे सीट में रखकर खोल कर छोड़ो, चेकिंग चल रहे। मैं बाहर बाहर खड़ा हुआ है, हृदय कैसे जा रहे हैं, ढक 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 प्रभु। फिर बोला, प्रभु बोला वही बोलो। मैं बोला प्रभु इन लोग मेरा बॉक्स नहीं देखेगा। सब के बॉक्स चेक किया, नंबर वन मेरा बॉक्स, ब्लू कलर बॉक्स है, उसने नहीं देखा, निकला। देख लिया, हम समर्पण करना पड़ेगा। प्रभु यहां है मेरा जीवन, जेल में है तो जेल, आजाद है तो आजादी, लेकिन मेरा जीवन है, मैं मालिक नहीं हूं, मैं भंडारी हूं। मालिक बोलते प्रभु मैं यहां हूं, लेकिन अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, जेल नहीं जाना है। तो हम दो दिन आगे आया, बेचारे भाइयों के लिए क्या हुआ, एक होटल खोजना पड़ा। पौल के लिए होटल खोजने का जरूरत नहीं है, कुन शहर में जाते, जेल में रूम है, जेल में रूम है। कारण क्या है? समर्पण किया है, भंडारी है, मालिक नहीं। हम समर्पण किया है अपने जीवन, अपने बच्चे, अपने नौकरी, असल समर्पण किया है। हम सिर्फ वही कर सकते, उसके बाद काम सब उसकी है। जब हाना ने वो बच्चे को समर्पण किया, उसकी बात देख लो, वैसे एक बच्चे है वचन में, जो सामुएल के बारे में लिखा हुआ है, वैसे वचन यीशु के बारे में लिखा हुआ है। कारण क्या है? एक मां ने गर्भ से बच्चे को समर्पण किया। पावर ऑफ कॉन्सेक्रेशन, अलगाव का सामर्थ्य, पावर ऑफ कॉन्सेक्रेशन, अपने आप अर्पण करने का सामर्थ्य। When you consecrate something, जब आप कोई चीज को अर्पित कर देते हैं, you know the Bible, what Bible says? Bible ये बताती है, When you put something on the altar, आप वेदी के ऊपर कुछ डाल दिया, the altar makes it holy, वो वेदी उस वस्तु को पवित्र कर देता है, वो वेदी वस्तु को क्या करते हैं, पवित्र करते। जब हाना उसके घर परमेश्वर को सौंपा, वो बच्चा क्या हो गया, पवित्र हो गया, पवित्र हो गया। There is something the altar does to you. वेदी कुछ करता है आपको। When Saul of Tarsus on the road to Damascus said, "What do? He became holy. जब तार्सस का सॉल ने पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? उस दिन वो पवित्र हो गया। Because the altar made him holy. क्योंकि पवित्र वो वेदी उसे पवित्र कर दिया। This is the supernatural work of God. ये परमेश्वर का अलौकिक काम। But God cannot do anything unless you surrender. लेकिन कैसे करेंगे प्रभु जब तक आप समर्पित नहीं होंगे? He cannot teach you. नहीं सिखा पाएंगे। He cannot open your eyes. आँखों नहीं खोल पाएंगे। He cannot open your ears. कानों को नहीं खोल सकते। You will not understand. आप नहीं समझेंगे। He cannot reveal. वो आपको प्रकट नहीं कर पाएंगे। Unless you surrender. जब तक आप समर्पित नहीं होंगे। That's why in Romans 12 Paul will say. इसलिए रोमियो का 12 में पौलुस कहेगा। Offer your bodies. अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप चढ़ाओ। Then you will know what is the good, pleasing, perfect will of God. तब तुम अनुभव से परमेश्वर का भला, भाता और सिद्ध इच्छा को जान पाओगे। Until you surrender, जब तक नहीं समर्पित करोगे, you will not know. तब तक नहीं जानोगे। You will not. नहीं जानोगे। Nobody here knew. कोई नहीं जानता था। They had to surrender first. उनको पहले समर्पित होना था। And if they stopped, और अगर रुके, God stopped talking. परमेश्वर भी उनसे बात करना रोक दिया। It didn't matter who it was. ये कोई मायने नहीं रखता कि वो था कौन वो व्यक्ति। Whether Abraham, चाहे वो Abraham हो, or you or me, या आप या मैं। When he was in the Ur of the Chaldeans, जब कल्दिया में था वो, God said, तब परमेश्वर ने, Leave your household, अपने घराना को छोड़ो। Go to the land I am showing you, मैं जो देश दिखाऊंगा वहाँ जाओ। When he was in the Ur, जब वो Ur में था, Read Acts 7, you will understand. आप जब प्रेरितों का सातवीं अध्याय पढ़ेंगे, समझेंगे। He left, छोड़ के चला गया। Took his father, everybody, अपने पिता को भी ले गया, सब को ले गया। Came to Haran. हरान में पहुंचा एंड स्टॉप्ड, वहां पे रुक गया। God didn't speak to him. परमेश्वर बात करना ही छोड़ दिए। Didn't speak to him. छोड़ दिए। Until his father died. जब तक उसका पिता पहले मरा नहीं। When his father died. जब उसका पिता मरता है। God said go. परमेश्वर बोले चलो अब तुम निकलो। And he entered the promised land. और तब वो प्रतिज्ञा देश। How many years he wasted? कितना साल बर्बाद हुआ था वहाँ?
We do not know. नहीं मालूम. Nobody knows. किसी को नहीं मालूम. When did God first speak to him? कब परमेश्वर से पहली बार बात की? It is not written. वो नहीं लिखा हुआ. When did he enter the promised land? कब वो प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किया? It is written. वो लिखा हुआ है. 75. 75 वर्ष. पहले कितने उम्र का था जब परमेश्वर उससे बातचीत किया? वजन में लिखा है 60 साल होगा. तो 15 साल बेकूफ, वेस्ट, बर्बाद, बात नहीं किया. That is why Romans 12 says daily offering. इसीलिए लिखा हुआ है रोमियों का 12 में प्रतिदिन अपने आप को समर्पित करो. प्रतिदिन हर सुबह उड़ते उड़ते यीशु मसीह के जैसे सुबह उड़कर प्रभु इधर है, मैं भंडारी हूं, मैं मालिक नहीं, आज मुझे इस्तेमाल किए. एवरीडे, हर दिन, एवरीडे, प्रतिदिन, योर लाइफ विल चेंज. तब आपका जीवन बदल जाएगा. योर लाइफ विल चेंज. आपका जीवन बदल जाएगा. इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव आउटसाइड. कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पास बाहर में क्या क्या है या नहीं. व्हाट यू हैव इनसाइड, अंदर में जो है, यू हैव रेस्ट. आप आशीषित होंगे. रेस्ट, सॉरी, विश्राम में प्रवेश. विश्राम होगा अंदर. वी हैव रेस्ट, अंदर में विश्राम रहेगा. Paul and Silas. Paulus Silas ko dekhiye. Hands in chains. Haath zanjeer mein. Feet in the stocks. Pair bhi zanjeer mein. Aaradhana kar rahe. Karan kya hai? Andar kya hai? Vishram hai. Because what faith gives you is rest. Kyunki vishwas jo aapko deta hai wo hai vishram. Everybody here has problems. Yahan pe sabke samasya hai na. You know what you need? आपको क्या का जरूरत है? You want rest. आपको सच में विश्राम का ही जरूरत है. विश्राम की जरूरत है. And God can give you rest. और परमेश्वर आपको वो विश्राम दे सकते हैं. But the first thing you have to do. पहला चीज लेकिन आपको जो करना पड़ेगा. You have to surrender. आपको समर्पित होना पड़ेगा. Surrender. समर्पण. See, when you obey by faith. जब आप विश्वास से आज्ञा मानते हैं. Life changes. तब जीवन बदलता. I teach the churches. मैं कलीसियाओं को सिखाता हूं. उत्पत्ति के 12 से 24 तक अब्राहम के इतिहास है. वो इतिहास में अब्राहम के जीवन में बहुत सारा समस्या था. सब समस्या से परमेश्वर उसे बचाया. कारण क्या है? ये समस्या सब विश्वास के जीवन के साथ जोड़ा हुआ है. मैं एक बात पूछूं, आपके जीवन की समस्या विश्वास के जीवन के साथ जोड़ा हुआ है नहीं? लूत के जीवन में समस्या नहीं है. अंत में जीवन में दो बार समस्या हुआ. एक दिन जब राजा ने उसे बंदी बनाकर ले गया और जीवन का न्याय के दिन उसके जीवन में समस्या नहीं. कारण क्या है? विश्वास के जीवन में नहीं. बहुत सारे कलीसिया में बैठते हैं, मेरे जीवन ले कोई समस्या नहीं. प्रभु बोलते हैं, जीवन में कई समस्या कैसे हो, तो विश्वास में नहीं चल रहे. जिसको जीवन विश्वास के रास्ते में चले, जो जो समस्या आता है वो सब समस्या से परमेश्वर उसे बचाएगा. कारण उसका समस्या का कारण क्या है? विश्वासी है. मिस्र देश में जाते टाइम में अब्राहम ने श्रीमती से बोला, बोलो तुम मेरे बहन है. परमेश्वर उसे बचाया? बचाया. गरार में जाते टाइम अभिमेलक से अब्राहम ने बोला, सारा मेरा बहन है. परमेश्वर बचाया? अगर वो चल्दी की अर्म में है तो बोलने का जरूरत नहीं है, ये मेरा बहन है. क्या बोलेगा? मेरे श्रीमती सबको पहचाने है, मेरे बहन भी है, श्रीमती है. लेकिन विश्वास के यात्रा में गलती भी हुआ, कुछ भी हुआ, परमेश्वर उसे बचाया. कान हर समस्या विश्वास की यात्रा के साथ जोड़ा हुआ है. दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर. Am I on the road of faith? ये चीज़ आपको देखना है. क्या मैं विश्वास का यात्रा में हूँ? Because so many people's problems, क्योंकि बहुत लोगों का समस्या, has got nothing to do with faith. उनके विश्वास से बिल्कुल कोई ताल्लुकात नहीं है. Their problem is the same problem the Hindu has, the Muslim has, the Buddhist has, the Jain has. Everybody's problem is the same. अन्य जातियों का समस्या ही उनका समस्या भी वही है. कोई फर्क नहीं. You take your problem and pray in the name of Jesus. आप अपना प्रॉब्लम लेके कहेंगे यीशु के नाम. सेम प्रॉब्लम, वही समस्या को लेकर. हिंदू गोस टू हिज गॉड एंड ही प्रेस. हिंदू भी वही कर रहा है अपना परमेश्वर का. मुस्लिम गोस टू हिज गॉड एंड प्रेस. मुस्लिम दूसरा का नाम लेके वही कर रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क क्या है भाई? ये विश्वास के साथ जोड़ा नहीं.
Therefore, you are not able to rejoice. इसीलिए तो आनंद नहीं है. Bible says in James chapter 1. याकूब में लिखा हुआ है पहले यह. Brethren, भाइयों, when you go through trials and testings, rejoice and be exceeding glad. जब नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ते हो, तो आनंदित और मगन हो. कारण क्या है? ये तुम्हारा विश्वास की परीक्षा है. लेकिन सबको मालूम है ये परीक्षा विश्वास के साथ जोड़ा नहीं हुआ है, पाप के साथ जोड़ा हुआ है. इसलिए आनंद नहीं है. नहीं तो संसार के सबके जीवन में समस्या है, इसलिए आनंद नहीं है. अगर विश्वास के साथ जोड़ा हुआ है तो आनंदित होगा. सुबह मैंने बोला प्रतिज्ञा के बारे में बोला. वचन में एक प्रतिज्ञा है. यीशु ने डाड़ा के ऊपर वहां से जब वचन दिया, बोला जब धार्मिकता के कारण, मेरे नाम के कारण तुम्हारे जीवन में समस्या आएगा तो आनंदित रहो. कारण क्या है? बहुत थे तुम्हारा इनाम स्वर्ग में. इसलिए पाउल को आनंदित हो सकते. हमको आनंद नहीं आते कहा मालूम है? ये विश्वास के साथ जोड़ा है, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर क्या आनंद किन हो. इसलिए आज का दिन हम मधुर गीत गाते हैं, लेकिन ये गीत में विश्वास है, हमारे जीवन के साथ जोड़ा हुआ है. ये गीत बहुत अच्छा है, गीत सब लिरिक्स अच्छा अच्छा है. म्यूजिक तो थोड़ा लाउड है, लेकिन लिरिक्स तो अच्छा है. मैं तो म्यूजिक से ज्यादा लिरिक्स सुनता है. उसमें क्या वचन, क्या बोल रहे, क्योंकि सब मुंह खोल कर बोल रहे, मुंह खोल कर बोल रहे. वो मुंह खोल कर बोलने सब परमेश्वर सुनते. अंग्रेज में एक गीत है, ऑल टू जीसस आई सरेंडर. मैं बोलते तुम गाते हैं, मालूम है तुम क्या बोल रहे हैं? सब कुछ मैं देता हूं परमेश्वर को, मैं सब कुछ देता. वो अगले दो हफ्ते के बाद प्रभु क्या हो गया, ये खो गया, ये खो. तो तूने गाया ना? तूने गाया ना? सब खोया, अभी क्यों रो रहे? मुख से हम ये गीत सब गाते, लेकिन हर वजन जो गाते हैं होशियार रखना. God will take you at your word. परमेश्वर आपको आपके बातों के अनुसार ले लेंगे. He will take you at your word. आपके बातों में आपको ले लेंगे. Therefore, let it free from your heart. तो आपका दिल से ही रहे जो बोले आप. Let it from your heart. Lord, here I am. प्रभु मैं यहाँ. I will tell you, learn from Jesus. यीशु से सीखिए ना. First thing, wake up in the morning. सबसे पहले सवेरे उठिए. Wake up in the morning. सवेरे उठिएगा. I'll show you a portion. Go to the book of Acts. प्रेरितों की पुस्तक. सब जगह से हम सीख सकते हैं. प्रेरितों की पुस्तक. 10th chapter. 10th chapter. Verse 9. 9 पर. दूसरे. पढ़ लीजिए. Listen carefully. दूसरे दिन जब वो चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट. दोपहर के निकट. पत्रस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा. कहाँ गया प्रार्थना करने के लिए? कहाँ गया? छत पर. इस सिटी में जाते टाइम, हैदराबाद सिटी में सब जाते टाइम, हमें ऐसे जंगली जगह नहीं है, रूफटॉप है. सुबह उठना कि रात पूरा कुकर क्या बोलते हैं, कुत्ते चिल्लाते. सुबह 3 बजे उन लोग भी सोते. उधर जाकर प्रार्थना करो. और कहाँ लिखा है? मैंने पत्रोस ने रूफटॉप पर प्रार्थना दर्शन देखा. 13 तो खाली है, कभी भी उधर नहीं जाता. देखा यीशु जंगली जगह खोजा. अभी देखकर पत्रोस कहां जा रहे? टेरेस पर जा रहे हैं. क्या करने के लिए? प्रार्थना. सब यीशु से सीखा. अगर उसने प्रार्थना करने के लिए नहीं गया तो यह दर्शन नहीं मिलेगा. ये दर्शन क्या साथ जोड़ा हुआ है? हमसे साथ जोड़ा हुआ है. अन्य जाति के लोग के पार पहली बार सुसमाचार जा रहे हैं. कबीला रूफटॉप में प्रार्थना के लिए जाते टाइम में एक दर्शन मिला. वो दर्शन के अनुसार हम का सब उद्धार मिला. फर्स्ट टाइम द गॉस्पेल इज गोइंग टू द जेंटाइल्स. पहली बार सुसमाचार अन्य जातियों को जा रहा है. व्हाई? बिकॉज़ समबडी वेंट टू द रूफटॉप टू प्रे. क्योंकि कोई छत जाके प्रार्थना किया. रूफटॉप है, छत है आपका. ये सिटी में बोलते हैं जंगली जगह नहीं है पास्टर, बल टेरेस पर है ना, छत तो है ना. मार्कोस के 1:35 दिखाए तो वो मेरे जगह में ऐसा जगह नहीं है, रूफटॉप है. पत्रों से रूफटॉप जगेंगे, जंगली जगह नहीं था. उधर भी दर्शन मिलेगा.
ये सब लिखा हुए, वो जो समर्पण किया व्यक्ति लोग का जीवन हम देख रहे हैं, उन लोग के जीवन देख रहे क्या हम कल में बोला until God speaks, देखिए जब तक परमेश्वर नहीं बातें करेंगे you will not have light, तब तक तो ज्योति नहीं मिलता है, you will never have light, तब तक ज्योति नहीं मिलता if है, God doesn't speak, अगर परमेश्वर नहीं बातें करेंगे we are in trouble, तो हम तो समस्या में फंसे हुए हैं तब, in the morning we saw, हम सुबह सवेरे देखे, remember, याद रखिएगा, man is lying at the pool at Bethsaida, Bethsaida तालाब में है एक व्यक्ति, 38 years, 38 साल, Jesus comes and asks, यीशु आते हैं पूछते हैं, do you want to get well, तुमको चंगाई चाहिए, he is saying all kinds of things, एक के बाद एक बहाना देता है वो व्यक्ति, Jesus says pick up your mat, यीशु बोलते हैं बिस्तर उठाओ, and go, और जाओ, he said only that, बस इतना ही कहा, he took the mat, तो वो ले गया, कहाँ गया, मंदिर गया, कहाँ गया, मंदिर गया, मंदिर में यीशु उसको आकर मिला, बोला पाप मत करना, अगर करेगा तो तेरा हालत इससे बुरा होगा, सुना, let me ask you this question, अब मैं आपसे पूछता हूं, if he didn't go to the church, अगर वो मंदिर नहीं, अगर कलीसिया नहीं गया होता वो, and he didn't hear the word, और वो वचन नहीं सुना होता वो तो क्या करते, फिर पाप करते थे और मरते, so was it better for him to be as a cripple, to sochi ye lakwa mein waisa rehna kya behtar tha, he could have lived for another 40 years, wo aur 40 saal waisa jee deta, but if he doesn't go to the house of god, lekin agar wo parmeshwar ka bhavan nahi jayega to he doesn't hear from jesus, yeshu se nahi sun payega wo vachan ko, he will die, to wo mar jata, he will die, तो मर जाएगा, इन ऑल आवर सिचुएशंस, हर एक परिस्थिति में जो इफ गॉड डजंट स्पीक, अगर परमेश्वर नहीं बातें करेंगे आपसे, वी आर एज गुड एज डेड, हम मृत हैं, मृत की नाई हैं हम, यू नो जीसस व्हाट ही सेड, यीशु ने क्या कहा, माय वर्ड्स आर लाइफ, मेरा वचन से ही जीवन है, जीवन है, that is why we have to hear, isliye sunna zaruri hai, in our situations we have to hear, hamare paristhitiyon ke vishay mein sunna zaruri hai, and faith comes from hearing, aur vishwas sunne se hi aata hai, faith comes from hearing, vishwas sunne se hi aata hai, jesus is going through jericho, jericho se ho ke yeshu jate hain, ek vyakti hai jo andha hai lekin uska kaan khula hua hai, wo puch rahe क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लोग बोल रहे यीशु जा रहे, उसने चिल्लाने शुरू किया, दाऊद की पुत्रा मेरे ऊपर क्या करना, दया करना, लोग ने बोला चुप रखो, और चिल्लाने शुरू किया, यीशु ने रोका, लेकर आ जाओ इसको, उसके लेकर आया, यीशु उससे पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें, व्हाट डिड ही से, क्या कहा उसने, हैव मर्सी, दया कर, दया बोले के बहुत बड़ा शब्द है, तुम्हें क्या चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं दया दया दया, प्रभु बोलते तुम्हें क्या चाहिए, दया बोलेगा तेरे को सुपरमार्केट है, उसमें क्या चाहिए तुम्हें, किस पर दया चाहिए, किस पर दया चाहिए, उसने बोला आई वांट माय साइट, उसने तब कहा मुझे मेरा दृष्टि वापस दो, आई वांट माय साइट, मुझे देखना है, मुझे देखना है, हम भी बोलेगा दया दया दया, प्रभु बोले किस में दया चाहिए, व्हाट डू यू वांट, विशेष करके बताओ क्या चाहिए, उसने बोला मेरा दृष्टि चाहिए, यीशु ने क्या बोला, बी हील्ड, योर फेथ हैज हील्ड यू, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया, जाओ, सब हमारे विश्वास पर छोड़ रहे हैं प्रभु, कल भी बोला हमारे विश्वास की अंसारी देखते हैं हम, बर्तिमस की आंखा खुला, और वचन में क्या लिखा है मालूम है, बर्तिमस यीशु के पीछे पीछे गया, वापस जरिको में नहीं गया, यीशु के साथ जरूसलम गया, कारण उसकी आत्मिक आंख भी खुला, सिर्फ सांसारिक आंख नहीं, आत्मिक आंख भी खुला, हम वचन पढ़ते टाइम में ये है यीशु की अंतिम यात्रा, ये दिन के बाद वो कभी भी जरिको वापस नहीं आता, जरिको से कहां जा रहे हैं, यरूशलेम जा रहे, पीछे कौन है, जिसके आंख खोला, जिसके दृष्टि मिला, यीशु के साथ चल रहे, अभी बोला कि प्रभु मुझे दया चाहिए, प्रभु बोला क्या चाहिए, प्रभु मेरा दृष्टि खोलो कि मैं आपको देख सकूं, कि आपके पीछे पीछे चलूं, दैट इज व्हाट वी नीड, हमें बस यही चाहिए,
That is what we need. हमें यही चीज़ की ज़रूरत है. And when we follow Him, और जब हम उसके पीछे चलेंगे, everything will follow. सब कुछ आएगा. मैं बहुत सारे मेरे अनुभव नहीं बोलते, कारण क्या है, आपके विश्वास मेरे अनुभव पर नहीं है, परमेश्वर के वजन पर होना पड़ेगा. मेरे अनुभव बोलते टाइम में सब लोग ताली बजाते, वजन बोलते टाइम में कोई भी ताली नहीं बजाते. मुझे खुशी नहीं आते, दुख आते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का अनुभव परमेश्वर के वजन से भी ज्यादा उठा दिया. वही से नहीं, इसलिए क्या है, मैं मेरा अनुभव कभी भी नहीं बोलते, कारण कि अनुभव सुनते सब ताली बजाते. वजन में लिखा है, मैंने मेरे वजन मेरे सारे नाम से श्रेष्ठ किया है. मालूम है वजन संग्रह 138 के 2 में लिखा है, मैं मेरा वजन, परमेश्वर अपने वजन उसकी सारे नाम से भी श्रेष्ठ दिया है. उसके वजन हम भी वैसा श्रेष्ठ करना, आपके वजन इसमें भरोसा है, आपने उसकी अनुसार में चलूंगा प्रभु. यह विश्वास. इसके लिए क्या होना पड़ेगा, पहले एक समर्पण होना पड़ेगा. समर्पण नहीं है तो परमेश्वर बोल नहीं सकते. आधे समर्पण करके रोकेगा तो फिर परमेश्वर नहीं बोलेगा. परमेश्वर अब्राहम को दिखाया, ये देख लिया, ये सब तारा देख लिया, तेरा बीज वैसा होगा. अब्राहम ने विश्वास किया, किसके ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया. परमेश्वर उसने धार्मिक माना, लेकिन घर में आकर वापस आते टाइम में सारा ने बोला, 10 साल हो गया मैं बांझी हूँ, हजीरा को ले जाओ. हजीरा को लेकर एक बच्चे को उत्पन्न किया. उसका उम्र कितना था, अब्राहम को उम्र कितना था, 87. 13 साल परमेश्वर उससे बात नहीं किया. कारण क्या, विश्वास के रास्ते से अलग हुआ, बात नहीं किया. 99 साल में आकर परमेश्वर उससे बोल रहा हूं, तुम मेरे सामने आगे चलो और क्या है, निर्दोष हो, सिद्ध हो. विभाजन सिखाते टाइम में बोलते अलग अलग तरीके में चल सकते, परमेश्वर मेरे पीछे क्या कर रहे हैं, संभाल रहे. परमेश्वर मेरे साथ क्या है, संगति. परमेश्वर के आगे मैं चल रहा हूं, उसके अर्थ क्या है, मेरा चाल चलन देख रहा हूं, निर्दोष हूं. परमेश्वर मेरा आगे है तो मुझे चला रहा है, परमेश्वर मेरे पीछे हो तो होशियार होना, होशियार होना. गॉड इज वॉकिंग बिहाइंड यू. परमेश्वर आपके पीछे चल रहा था. मेरा पिता प्रिंसिपल था, स्कूल का प्रिंसिपल था. जब बच्चे होते टाइम में आगे चलो बोलेगा, ये है ना, ऐसे नहीं हिलना, सीधा चलो. पीछे होते टाइम में होशियार है, कैसे चल रहे. God is telling Abraham, walk before me and be blameless. मेरे सामने सामने चलो और सिद्ध रहना. अगर निर्दोष रहने के लिए क्या बोलना पड़ा, हिम्मत से साथ बोलना पड़ेगा, प्रभु I will walk before him, teach me. प्रभु मैं चलूंगा आपके सामने, लेकिन आप सिखाइए. सामुएल के बारे में क्या लिखा है मंदिर में मालूम है, Samuel was ministering to the Lord before Eli. सैमुएल प्रभु का सेवा कर रहा था एली के सामने. एली के सामने एली बोल रहे, ऐसे करो, ऐसे करो, बात रखे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. वजन में लिखा है, अभी तक सामुएल ने परमेश्वर से सुना नहीं, लेकिन एली से सीख रहा है. लेकिन एक दिन परमेश्वर उससे बुलाया, कारण क्या है, पुरोहित के सामने चलना सीखा. Do you want to hear from God? सबका समस्या ये है ना, आज रात घर में जाकर परमेश्वर सुनेगा तो सबके समस्या खत्म, खत्म. वही है सबको चाहिए, God will you speak to me? प्रभु आपसे बात करेंगे. God said, will you surrender? प्रभु बोलते हैं ठीक है, तुम समर्पित तो करोगे? Will you surrender? क्या समर्पण करोगे? हिब्रायर में क्या लिखा है यीशु के बारे में, यीशु के बारे में ऐसा लिखा है, पुस्तक के मुझके नेपाली आते हैं मन में, हिंदी नहीं आते. इन द वॉल्यूम ऑफ द बुक इट इज रिटन अबाउट मी, पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, मेरे बारे लिखा हुआ है. आई हैव कम टू डू योर विल, आपकी इच्छा को करने में आया हूं. नेपाली में भन्छ, पुस्तक में उठा में यस्तो लेखेको छ, प्रभु तपाईको इच्छा पूरा गर्नको लागि म आको. I have come to do your will. मैं आपका इच्छा पूरा करने आया हूं. यीशु ने क्या बोला, कहां लिखा है, कहां लिखा है, पुस्तक में लिखा है.
अगर यीशु जो हमारे सिर है उसके बारे में पुस्तक में लिखा है परमेश्वर की इच्छा में कैसे चलूं, फिर हमारे बारे में कहां लिखा है? यही पुस्तक में लिखा है, दूसरे जगह में नहीं। ये पुस्तक में लिखा है हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, सबके बारे में। कारण वो सिर है तो मैं शरीर है। जो सिर के बारे में लिखा है शरीर के बारे में भी लिखा है। प्रभु इसमें लिखा है आपके इच्छा पूरा करने में कैसे चलूं। ये पुस्तक के सामने, उसकी आत्मा के सामने हम समर्पण किया है तो एक दिन परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होते टाइम में परमेश्वर बोलेगा तुम भंडारी है, हिसाब चुकाओ, तुझे मैं उधार दिया, उसके अर्थ तेरा शरीर वो दिन से मेरा है। मूल देकर के ना, मेरे पुत्र के लहू मूल देकर, सोना चांदी से नहीं, मूल देकर के ना, मेरे आत्मा को रखा, मेरा वचन दिया, तेरे दिन में हर दिन तेरे अकाउंट में 24 घंटा भी दिया। तुमने क्या किया? हिसाब चुकाओ। कारण कि पुरस्कार उसके अनुसार होगा। तू भंडारी था, विश्वास से योग्य था, मूसा विश्वास से योग्य था। प्रकाश के पुस्तक पढ़ते टाइम में स्वर्ग में स्वर्गदूत सब गीत गा रहे। कौन सा गीत? मूसा के गीत, मूसा के गीत गा रहे स्वर्ग में। किसके गीत गा रहे? मूसा के गीत गा रहे। कारण क्या है? विश्वास से योग्यता। इसलिए हम भी सोचना पड़ेगा ये सब कहां शुरू हो गया? समर्पण से शुरू होगा। मेरे जीवन कब शुरू हो गया? उधार मिला, बहुत साल ऐसे चला, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल ऐसे चला। एक दिन निराश होकर बोला प्रभु, पढ़ते पढ़ते टाइम में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं समर्पण करता हूं। वो दिन आंख खोला, उसकी बात आंख खोला। 30 साल ने वचन सिखा रहे, हजारों पास्टरों के सिखा रहे, लेकिन एक दिन भी बाइबल कॉलेज में सिखा नहीं, एक डिप्लोमा भी नहीं है, एक सर्टिफिकेट भी नहीं है। कारण किया, समर्पण किया, प्रभु मुझे क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। आपके पीछे चलने के लिए दृष्टि चाहिए। अगर आंख नहीं है तो आपके पीछे कैसे चल सकूं? प्रभु मेरे आंख खोलिए प्रभु, कि आपके वजन पढ़ते समय में देख सकूं, हर पेज में किसको देख सकूं? यीशु को देख सकूं। मैं ज्ञान नहीं खोज रहा हूं, मैं यीशु को खोज रहा हूं, क्योंकि यीशु है जीवन। वजन में योहना में लिखा क्या? उनमें था जीवन, वो जीवन वह संसार की ज्योति। जब यीशु का जीवन हम में आया, वो जीवन बन गया संसार के लिए ज्योति, तो हम क्या करना पड़े? मैं घटना पड़ेगा, प्रभु यीशु आपके जीवन बढ़ो, कि हमें संसार के लिए एक ज्योति बन जाओ। मेरे जीवन किसी के लिए भी ज्योति नहीं, लेकिन यीशु का जीवन ज्योति है। यीशु का जीवन वो है असल गवाही होते, वो यीशु का जीवन। वो जीवन को किसी भी हार नहीं सकते। मेरे जीवन हर दिन हारते, यीशु का जीवन नहीं हार सकते। पाप के सामने नहीं हारते, शैतान के सामने नहीं हारते, संसार के सामने नहीं हारते, क्योंकि उसका जीवन है, वो यीशु का जीवन है। विश्वास है कि आप मिलते हैं हमें यीशु का जीवन मिलता। यू हैव टू सी फेथ दैट वे। इसी तरीके से आपको विश्वास को देखना पड़ेगा। डोंट कनेक्ट फेथ विद थिंग्स। विश्वास को वस्तुओं से मत जोड़िए। कनेक्ट फेथ विद लाइफ। जीवन से जोड़िए। Faith with life. जीवन से जोड़िए। Whose life? किसके जीवन से? Life of Jesus Christ. यीशु के जीवन से। Life of Jesus Christ. यीशु के जीवन से। That is how you should believe. इस तरीके से विश्वास करते हैं। So this night. तो आज रात। I'm going to ask you one thing. एक सवाल पूछेंगे। Think carefully. अच्छा से सोचिएगा लेकिन। Jesus said. यीशु ने कहा। You have 10,000 soldiers. तुम्हारे पास 10,000 सैनिक हैं। Another king is coming with 20,000 soldiers. दूसरा राजा विरोध कर रहा है 20,000 soldiers. Sit down. सिपाही के साथ। Count the cost. दाम को जोड़ लो। God is very, very simple. प्रभु बहुत साधारण है। He says, think about it. बोल रहे पहले सोच लो। And then surrender. उसके बाद समर्पित करना। Think. सोच लीजिए अभी। Think. And surrender. और तब समर्पित कीजिए। अगर मैं समर्पण नहीं किया तो अनंत काल में मेरा क्या होगा? कल पढ़ा ना कुरिन्थियों 4:18 से, जो देखते हैं वो सब क्या है? देखिए वस्तु सब क्या है? टेम्पररी, वर्तमान। अनदेखी वस्तु क्या है?
अगर मैं समर्पण नहीं किया तो मेरे लिए अनंत काल में क्या पुरस्कार मिलेगा? थिंक अबाउट इट एंड देन सरेंडर. तब समर्पित कीजिए. देन सरेंडर. पहले सोच विचार कर लीजिए. डिसाइड टुडे. लेकिन निर्णय आज लीजिए. वजन में ऐसे लिखा है, टुमारो बोलकर एक शब्द नहीं. आज जब आत्मा की आवाज सुनते समय हृदय को कठिन मत करो. आज कठिन मत करो. आज कठिन गया करेगा तो कल उसने कठोर होगा. इसलिए आज मानना, प्रभु मैं समर्पण करता हूं. डिसाइड टुडे, इनफ लॉर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ दिस लाइफ. बहुत हो गया प्रभु, मैं उब गया हूं ये बेकार जिंदगी. मीनिंगलेस लाइफ. व्यर्थ है ये जिंदगी. मीनिंगलेस लाइफ. बिना कोई अर्थ का है, अनर्थ है ये. वजन में वैसे लिखा है. रीड वन मोर वर्ड्स एंड वी विल स्टॉप. चलिए एक पद पढ़ के बंद करेंगे. फर्स्ट कोरिंथियंस 15 वर्ड्स 19. पहला कोरिंथियों का 15:19 पढ़ लीजिए. किसको मिला पढ़ लीजिए. यदि हम केवल इसी जीवन स्लोली यदि हम केवल लाउडली बट स्लोली यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं. इसलिए है ईसाई लोग सब निराशा में चलते, क्योंकि सबकी आशा ये जीवन से जोड़ा हुआ है. मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. प्रभु बोला तूने उसे बड़ा जीवन के लिए बुलाया है, तुम निराशा में चलेगा. कारण तुम्हारी आशा है सिर्फ ये जीवन. आने जीवन में तुम्हारा आशा नहीं है. हमारा आशा कहाँ है? आने वाला जीवन में. वैसे चलेगा तो निराश नहीं होगा. इसलिए पौल और सलास निराश में आनंदित हो रहे. कहाँ है? मारपीट खाकर आनंदित होते कारण आशा बढ़ रहे है. आशा बढ़ रहे है. आशा बढ़ रहे है. अगर सिर्फ इस जीवन में यीशु में उम्मीद है तो हम सबसे अभाग्य नहीं. हमारा आशा ये जीवन में आने वाला जीवन सब जोड़ा हुआ है. आज बदलो आपके सोच विचार. आज मालिक के रूप में नहीं, भंडारी के रूप में. बोलो प्रभु मुझे विश्वास योग्य बनाओ. भंडारी के ये जीवन, ये शरीर, ये सोच विचार, ये प्राण, ये आत्मा, आप जो जो मुझे जीवन में दिया है सब में मैं विश्वास योग्य होना चाहता हूं. प्रभु मैं समर्पण करता हूं. यू विल सी योर लाइफ विल चेंज. आप देखेंगे जीवन बदल जाता है. निराशा निकल जाता, आशा आता. यू हैव पर्पस इन योर लाइफ. जीवन में योज परमेश्वर का उद्देश्य आ जाता है. शैल वी स्टैंड अप. चलिए खड़े होते हैं. योर एज इज इररिलेवेंट. आपका उम्र से कोई फर्क नहीं होता है. योर एज इज इररिलेवेंट. उम्र से कोई ताल्लुका नहीं. यू कैन स्टार्ट टुडे. आज से शुरू कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट टुडे. आज शुरुआत का दिन हो सकता है. बट इट्स ऑल बिगिंस विद सरेंडर. ये समर्पण के साथ शुरुआत होता है. फ्रॉम एब्राहम से To Jesus, यीशु तक. It is written. ये लिखा हुआ है. Jesus said. यीशु ने कहा. In the volume of the book. पुस्तक में लिखा हुआ है. It is written about me. मेरे बारे लिखा हुआ है. Here I am. मैं यहाँ हूँ प्रभु. To do your will. आपकी इच्छा को पूरा करने के. That's all you have to say. बस इतना ही कहना है. प्रभु, here I am. प्रभु, मैं यहाँ हूँ. This 22nd of November. नवंबर 22 तारीख को. In Kharagpur. खरगपुर में मैं यहाँ. Wherever you are listening online. चाहे आप ऑनलाइन कहीं और सब सुन रहे हैं. Here I am. मैं यहाँ हूँ. I surrender. मैं समर्पित करता हूँ. I surrender my life. मैं जीवन को समर्पित करता हूँ. Lord, I walked all these years thinking I was the owner. प्रभु, मैं इतने सालों तक चला ये सोचते हुए कि मैं मालिक हूँ. I didn't realize. मैं नहीं सही समझा. The ground I walk on. जिस जमीन पे भी मैं चल रहा हूँ इस वक्त. Is yours. वो भी आपका है. The body I have. जो शरीर मेरे पास है. It's yours. वो आपका है. The strength that I have. जिस ताकत जो मेरे पास है. It's yours. वो आपका है. Everything I have received. जो कुछ भी मैंने पाया. It's yours. वो आपका है. Lord, I didn't realize. प्रभु, मैंने ये नहीं समझा था. I was just a steward. मैं तो बस एक भंडारी. I am not the owner. मैं मालिक नहीं. There is only one owner. एक ही मालिक है. It is you, Lord. वो है आप प्रभु. Help me to be faithful. मदद कीजिएगा प्रभु विश्वास योग्य. Help me to be accountable. जवाब सही होने के लिए मदद कीजिए. Tonight, आज रात, I surrender.
शुरुआत होता है समर्पण। I surrender मैं समर्पण करता हूँ। Here it is। ये है प्रभु। Take it, Lord। ले लीजिए मेरा समर्पण। Use it for your purpose। अपना योजना के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। Whichever way you choose। जिस तरीका को आप इस्तेमाल करें। I take my hands off। मैं अपने हाथों को बस उठा देता हूँ। From tonight। आज रात से। It is not my life। ये मेरा जीवन नहीं है। It is your life। ये आज आपका जीवन है। I take my hands off। मैं हाथ उठा लेता हूँ अपना। Use me, Lord। आप मुझे अब इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। फॉर एवरीवन हु हैव सरेंडर्ड फ्रॉम देयर हार्ट। जो भी अपना जीवन को दिल से समर्पित किए प्रभु। यू हैव सीन देम। आपने उन्हें देखा है। यू हैव हर्ड देम। आपने उन्हें सुना है। एंड यू आर फेथफुल। और आप विश्वास योग्य हैं। यू आर फेथफुल। आप तो विश्वास योग्य हैं। यू आर जस्ट। आप तो न्यायी हैं। यू विल रिसीव देम। आप उन्हें स्वीकार करेंगे। एंड यू विल मोल्ड देयर लाइफ। और प्रभु आप उनके जीवन को लॉर्ड अपना ढांचा रखने डालेंगे। एंड यू विल यूज देम फॉर योर ग्लोरी। और प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। टच एवरीवन लॉर्ड। हर एक को छुइए प्रभु। टच एवरीवन। हर एक को छुइए। टच एवरीवन। हर एक को छुइए। लेट दिस सरेंडर कंटिन्यू ऑल देयर लाइफ। ये समर्पण हर दिन लॉलीन रहे लॉर्ड। एवरी डे मॉर्निंग। हर दिन प्रभु। व्हेन दे वेक अप। जब वो उठेंगे। Let it the first thing they do. पहला चीज वो करे जो। Lord, प्रभु, I thank you. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। I thank you. धन्यवाद देता हूँ प्रभु। For giving me one more day. एक और दिन देने के लिए। To be a steward. कि मैं भंडारी बन सकूँ। Thank you. धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद। Here I am. मैं यहाँ हूँ। Use me today. मुझे अब इस्तेमाल कीजिए। Let it be everybody's prayer. ये हर व्यक्ति का प्रार्थना रहे आज। And I know. और मैं जानता हूं। You will experience the hand of God in your life. आप परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन के ऊपर अनुभव करने लगेंगे। Commit everyone into thy hands. हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। That faithful hands. वो विश्वास योग्य हाथ। That nail pierced hands. वो कांटी जो चुभा हुआ था। That all powerful hands. वो सामर्थी हाथ। I commit them into your hands. वो आपके हाथों में आपको समर्पित करते हैं। Use each one for your glory. हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। Let that hand touch each one's life. वही हाथ यहाँ हर एक जीवन को छुए। Heal the sick. छुए और चंगा कीजिए। Deliver the oppressed. जो दबे हुए उन्हें छुटकारा दीजिए। Guide them through life. प्रभु उनका अगुवाई कीजिए जीवन भर। Commit every pastor here. हर एक पासवान को समर्पित करें। Let there be surrender in his life. हर एक पासवान के जिंदगी में समर्पण रहे। That God can use him to lead your sheep. परमेश्वर आप उन्हें इस्तेमाल कर पाए उनको अगुवाई करने के लिए लोग। That on the last day. ताकि अंत के दिन में। Nobody in their flock is lost. कोई भी उनके भेड़ में कोई नहीं खोया जाए। Everyone should cross the line. हर एक व्यक्ति लकीर पार कर पाए। Let your hand there upon them. हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका हाथ बना रहे। Even upon this church. इस कलीसिया पे भी। And the leadership. और प्रभु अगुओं पे। And the people. और लोगों पे। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। Because Kharagpur needs witnesses. क्योंकि खरगपुर को लॉर्ड गवाहों की जरूरत है। Genuine witnesses of Jesus. खरे गवाह की जरूरत है। That people may see the light. ताकि लोग ज्योति को देख पाए इस शहर में। And turn to you, Lord. और आपकी ओर फिरे। We thank you. धन्यवाद। We praise you. आपको प्रशंसा देते हैं। आराधना करते हैं। धन्यवाद पिता। धन्यवाद। In Jesus name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन। आमेन। Amen. Friends.
जीवन में. Beautiful church.